recording checks. Yes. चलिए, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक थे? सी दिस स्लाइड इज अगेन इम्पोर्टेंट. व्हाट आर द सेवरल बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर. ये भी पोर्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इस पोर्शन को भी आप अच्छे से लर्न करो, इसीलिए मैंने आपको ये स्लाइड दी है. ठीक है, सो दैट कि आपको पता रहे कि एक पर्टिकुलर आपके पास एक चार्ट हो, उस बेसिस पे आपको सब पता रहे कि कौन से बॉन्ड्स कहाँ पे इन्वॉल्व है. दैट्स नो कंफ्यूजन, नथिंग. हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशलिटी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की. ठीक है, हाइड्रोफोबिक वांडरवाल्स इंटरेक्शन ये स्पेशलिटी होती है टर्शरी की. और क्वार्टरनरी एंड टर्शरी इनमें सेम टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, बिकॉज क्वार्टरनरी जो स्ट्रक्चर होता है वो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड से, उसमें ये भी बॉन्ड हो सकते, ये भी ऑल बॉन्ड्स. ठीक है, हो सकते. तो इन दोनों को याद रखना इज नॉट डिफिकल्ट. प्रॉब्लम इसमें होगा, याद रखना सेकेंडरी के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड इज इम्पोर्टेंट, इज अ स्पेशल वन. हाँ, मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड ये तो है ही, बट ये है, इसको एक अच्छे से याद रखें. ठीक, चलिए. प्राइमरी स्ट्रक्चर को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इज अ सिंपलेस्ट वन. सबसे सिंपलेस्ट कोई होगा तो वो है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर. सिंपलेस्ट मीन्स व्हाट? ये बेसिकली जस्ट एक लीनियर स्ट्रक्चर कैसे होता है. ये जो लीनियर स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, जस्ट एक थ्रेड लाइक इस टाइप से कुछ भी. हाँ, जो सिंपलेस्ट वन होगा वो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा. मैंने आपको इसके पहले भी बताया, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर. सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हुए जाएंगे, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी एंड देन क्वार्टरनरी. ठीक, चार टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं. देखो, अब एक सिंपल एग्जांपल लिया है, डाइपेप्टाइड किसको कहेंगे जिसमें कि दो अमीनो एसिड्स रहेंगे. वैसे ही ट्राइपेप्टाइड्स किसको कहेंगे जिसमें कि तीन अमीनो एसिड्स रहेंगे. ये पॉइंट, इसमें से आपको क्या उठाना है, ग्लूटाथायोन को. ग्लूटाथायोन इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ थ्री अमीनो एसिड्स. तीन अमीनो एसिड से बना हुआ है. कितने अमीनो एसिड से? तीन अमीनो एसिड से. ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट से ग्लूटाथायोन इज अ ट्राइपेप्टाइड. इट्स ग्लूटाथायोन इज अ एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर. कितने अमीनो एसिड से बना है? तीन अमीनो एसिड से. ठीक, ईच अमीनो एसिड यूनिट को हम रेसिड्यू कहते हैं. ये तो हमने पढ़ लिया था कि दिस इज नॉट दैट मच, कुछ भी ये कभी आएगा भी नहीं. उसको रेसिड्यू कहते हैं. हर अमीनो एसिड के यूनिट को हम क्या कहते हैं? रेसिड्यू, और कुछ नहीं. द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे लिखते हैं? इनिशियली स्टार्टिंग कैसे करते हैं? अगर ये अमीनो एसिड्स है तो एन टर्मिनल कहते हैं, और एन में क्या लिखते हैं हम? सी टर्मिनल. वी नो दैट. ठीक है, अब ये भी हमने पढ़ा था. आई गेस मैं यहां तक थी. एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखे थे हमने, और कि लाइसोजाइम, जो लाइसोजोम होता है उसके अंदर देर आर सेवरल लाइसोजाइमल, देर आर सेवरल एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. दैट एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोजोम, वी कॉल देम एज लाइसोजाइम. ये भी एक टाइप का क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है. इट कंसिस्ट ऑफ 129 अमीनो एसिड इन लेंथ, और सिंपलेस्ट है. मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें और डाइसल्फाइड बॉन्ड है, उसके अलावा कोई भी बॉन्ड नहीं है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है इंसुलिन का. इंसुलिन का भी मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, शायद से अगर फास्ट हो गया हो मैं आपको बता देती हूँ फिर से. एक इस टाइप का इनिशियली इंसुलिन होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इंसुलिन का. थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ. ठीक है, ये एन टर्मिनल होगा, समझ लो सी टर्मिनल होगा इनिशियली. ठीक है, अब क्या होता है ना, बीच में से ये वाला पोर्शन, ये वाला नहीं, पहले इनिशियली जो स्ट्रक्चर होता है इसको प्रो इंसुलिन कहते हैं. आई गेस ये रिपीट हो रहा हो, फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि लास्ट में हुआ था. आई गेस मैंने वो फास्ट पढ़ा. प्रो इंसुलिन जो कि इनएक्टिव है, इनिशियली वो इनएक्टिव फॉर्म में ही होता है. जब कभी इसकी रिक्वायरमेंट होती है तब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो किस वे में वो कन्वर्ट होगा? यहाँ पे ये जो टर्न है, दिस टर्न, इसको हम लूप भी कह सकते हैं. इसको एक नाम देते हैं, वो सी पेप्टाइड. क्या नाम देते हैं? सी पेप्टाइड. ये वाला सी नहीं, दिस इज सी टर्मिनल, दिस इज एन टर्मिनल, दिस इज डिफरेंट वन. ठीक है, सी पेप्टाइड.
ये वाला जो टर्न वाला जो पोर्शन होता है वो क्लीव हो जाता है और इसको वो नाम देते हैं स्कोर, वो मीन्स जिसने भी डिस्कवर किया है ए, और इसको देते हैं बी। ठीक है, ये फिर से बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में आएगा क्लास 12th में। ठीक, ए चेन, इसको हम ए चेन भी कह सकते हैं, ए पेप्टाइड भी कह सकते हैं, इसको बी चेन भी कह सकते हैं, या सी पेप्टाइड को सी चेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, कोई एंजाइम्स आएंगे और वो एंजाइम्स यहाँ पे हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करेंगे और इस पोर्शन को रिमूव कर देंगे। फाइनली क्या बचा, इस टाइप का स्ट्रक्चर, क्योंकि बीच में से क्लीव हो गया तो ए चेन को और बी पेप्टाइड को या बी चेन को क्या कर दिया उन्होंने, अलग कर दिया। अब ये दोनों पहले से ही इस फॉर्म में एक दूसरे से ऐसे ज्वाइन थे, अभी भी ये इसी फॉर्म में ज्वाइन रहेंगे बिकॉज हाइड्रोलिटिक जो क्लीवेज हुआ था उन्होंने इस पोर्शन को प्रॉपरली कट किया है, और बिकॉज ऑफ दैट सी पेप्टाइड क्या हो जाता है, क्लीव हो जाता है। आप कहोगे मैम ऐसे कैसे, क्या, तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स होते हैं, वो एंजाइम इतना ज्यादा सिलेक्टिव होता है कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस को बराबर से रीड करता है और वहां पे वो प्रॉपरली कट करता है। ठीक है, तो ये ए पेप्टाइड बना और एक क्या बना, एक बी पेप्टाइड। ए पेप्टाइड 31 अमीनो एसिड्स का आएगा, इसमें 31 ही कहा था ना, और बी पेप्टाइड 21 अमीनो एसिड्स, एक 30 अमीनो एसिड्स का है और एक 21 अमीनो एसिड्स का, एक दो अमीनो एसिड शायद इधर उधर होंगे बी पेप्टाइड के लिए आई एम श्योर, बट यहाँ पे 30 की 31 थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, उस दिन याद था। ठीक है, अब 30 अमीनो एसिड्स का ये होगा ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड 21 अमीनो एसिड्स का होगा, तो ये बन गया आपका एक्टिव इंसुलिन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, मुझे ये बताना है आपको कि इसमें जो अमीनो एसिड्स एक दूसरे से लिंक है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली 30 अमीनो एसिड्स की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे 21 की बात कर रही हूँ, ये जो अमीनो एसिड्स लिंक है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड आ गया और ये चेन दूसरे चेन से डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक है, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ, ये दो ही बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी, दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा किसका, हार्मोन का, दैट इज इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन का एग्जाम्पल। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने अभी। अब देखिए सीक्वेंस इन विच द अमीनो एसिड्स आर अरेंज इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द प्रोटीन, दैट इज जस्ट अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऐसा कोई सीक्वेंस, ऐसा कोई लीनियर स्ट्रक्चर जिसमें कि अमीनो एसिड्स अरेंज है और एक चेन बना रहे, उस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं और कुछ नहीं। इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट आर पेप्टाइड बॉन्ड, सी पेप्टाइड बॉन्ड इज टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये इन्वॉल्व है फॉर्मेशन में, कौन से, पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वॉट इज द रोल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होने का रीजन क्या है, इट गिव्स अ पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अगर हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अगर समझ लो कि कोई भी प्रोटीन हमें मिल जाए तो हमें अगर उसका सीक्वेंस फाइंड आउट करना हो, साइंटिस्ट को हर किसी प्रोटीन के सीक्वेंस फाइंड आउट करने होते हैं, उस बेसिस पे वो ये पता करते हैं कि हाँ अगर ये प्रोटीन बनाए तो इसमें ये सीक्वेंस है, तो इस बेसिस पे आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, आरएनए से डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा, मीन्स जीन का सीक्वेंसिंग करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकीनेस रहने दो ये। तो मैं ये कह रही हूँ कि पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन, हर पूरे प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड्स किसके बाद है, क्या है, ये सब कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बट किससे फाइंड आउट करेंगे, वी नीड अ सिंपलेस्ट फॉर्म, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उससे ही तो फाइंड आउट करेंगे। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, अगर कोई बहुत ज्यादा ही फोल्डेड फॉर्म है, तो इसमें से कोई वन बाय वन सीक्वेंस फाइंड आउट करना इज क्वाइट ट्रिकी। तो कैसे अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर, अगर फाइनली किसी प्रोटीन को हमने आइसोलेट किया और उसका स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर हो जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से, वैन डर वाल्स बॉन्ड से, तो हम क्या करेंगे, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट से ये सभी बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और सिंपलेस्ट बॉन्ड्स रहने देंगे। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ हाईली टफ बॉन्ड, बहुत इजिली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड बच जाएंगे, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और उसके बाद
और उसके बाद फिर हम उसका सिक्वेंसिंग करेंगे, सिक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक क्या है, वी कैन से एक वे है कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का सिक्वेंस हम कैसे फाइंड आउट करें। देर आर लॉट्स ऑफ रिएजेंट्स वी आर यूजिंग। एडमन रिएजेंट होता है, एडमन साइंटिस्ट के नाम से। सैंगर्स रिएजेंट होते हैं, डीएसी रिएजेंट होते हैं। यू डोंट गो इन दैट डिटेल, सिर्फ इतना याद रखना, बिकॉज इस पे एक क्वेश्चन देखा था मैंने। फ्रेडरिक सैंगर, एक फ्रेडरिक सैंगर एक साइंटिस्ट था जिसने की वर्कआउट द सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन से क्या किया उसने, उसने क्या किया, इंसुलिन हार्मोन में कितने टाइप के, किस वन बाय वन, फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा है, दूसरा अमीनो एसिड कौन सा है, इसका सीक्वेंस फाइंड आउट किया किसने, फ्रेडरिक सैंगर में, विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल ट्रीटमेंट। कोई केमिकल ट्रीटमेंट की होगी, कोई रिएजेंट्स को यूज किया होगा। जिस रिएजेंट्स को उसने यूज किया उसने उसको कहा सैंगर्स रिएजेंट। और कोई दूसरे और साइंटिस्ट आया, उन्होंने भी अलग अलग सिक्वेंसिंग मेथड फाइंड आउट की। मुझे सिर्फ इतना आपको बताना है कि वॉट इज द रोल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें क्या हम अप्लीकेशन क्या कह सकते हैं। अगर हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो उसके क्या रोल हो सकते हैं, कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर यू विल फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। व्हाट एग्जैक्टली इज द पोजीशन ऑफ दैट अमीनो एसिड इन पर्टिकुलर प्रोटीन। पोजिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, जो सिंपलेस्ट है उसी से तो अच्छे से पोजिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये पॉइंट यहाँ से उठा लेना है, उठा लेना है। मीन्स जब कभी आप नोट्स बनाते हैं, एक दिन मैं आज ही मैं सोच रही थी कि जितना भी प्रोटीन का पोर्शन हुआ है उसको मैं दो पेजेस में कैसे सम अप करूं। बच्चों को थोड़ा पढ़ाना बताना पड़ेगा कि किस वे में आपको नोट्स बनाने, क्योंकि मटेरियल तो हमारे पास बहुत है, पर उस मटेरियल को समझ के उसका गिस्ट निकाल के उसको हमें रेडी करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारी रिवीजन फास्ट हो पाए। बिकॉज इतना सारा मटेरियल एट अ टाइम लेके बैठेंगे तो थोड़ा सा ही पोर्शन हमारे बहुत बड़े बहुत ज्यादा टाइम में होगा। विद इन हाफ एन आवर आपका प्रोटीन, आपका कार्बोहाइड्रेट, ये या आपका लिपिड, ये तीन चार पोर्शन एट अ टाइम हाफ एन आवर वन आवर के अंदर पूरा बायोमोलिक्यूल भी रिवाइज हो सकता है अगर आप स्मार्ट स्टडी करो तो। स्मार्ट स्टडी इज इम्पोर्टेंट, हार्ड वर्क, मैं कहूंगी स्मार्ट वर्क पहले आएगा बाद में हार्ड वर्क आएगा, याद रखना ठीक है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है। ये पॉइंट उठा लिया हमने। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट डिटरमाइंस द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। ऑब्वियसली अगर हम सीक्वेंसिंग पता कर रहे हैं, एक अमीनो एसिड, एक इंसुलिन का समझ लो हमने कोई एक पॉलीपेप्टाइड लिया, उससे ही मिलता जुलता कोई एक दूसरा हार्मोन लिया, या हमने ये किया कि ये सोचो कि कोई हमारे पास एनिमल है, कोई एनिमल है, कोई हमारे पास ह्यूमन है, दोनों में भी ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर एनिमल में भी कोई ऐसा हार्मोन तो होगा कि जो क्या करता होगा, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता होगा, जिसको जैसे हमारे बॉडी में इंसुलिन करता है। तो वो हार्मोन का सीक्वेंस और वो हार्मोन का सीक्वेंस जो कि पर्टिकुलर एनिमल में है, जो कि उनके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहा है, मीन्स उनके बॉडी का इंसुलिन, उसका सीक्वेंस क्या है और हमारा सीक्वेंस क्या है, हमारे बॉडी में भी इंसुलिन है उसका सीक्वेंस क्या है, उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना माइन्यूट डिफरेंस है, क्या है अलग। मंकी का सीक्वेंस ले लिया, ह्यूमन के इंसुलिन का सीक्वेंस ले लिया, तो मैक्सिमम तो क्या होगा, वो इक्वली होगा, बट समहाउ अमीनो एसिड का कहीं ना कहीं पे क्या होगा, चेंज होगा। क्यों? बिकॉज डे बाय डे जैसे इवोल्यूशन होते जाता है, आपके बॉडी के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनमें भी एडवांसमेंट आती है, उनमें भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती है, डाइवर्सिटी आती है। आई गेस डाइवर्सिटी का चैप्टर आपने पढ़ लिया है, तो इसको भी हम जब हम सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमें डाइवर्सिटी का भी पता चलेगा। दिस इज अनादर रोल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट पोर्शन ऑफ एन इंटीग्रल प्रोटीन दैट इज बरीड इन लिपिड बायलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज अल्फा हेलिक्स। ये पॉइंट आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर से यहाँ पे गलती से आ गया, ये पॉइंट मैं आपको बाद में बताती हूँ।
डोंट वरी. ठीक है, यहां तक था हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर. हमने सब कुछ पढ़ लिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर का रोल क्या होता है, व्हाट आर द बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन दैट, नंबर वन, नंबर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द रोल, पोजिशनल इंफॉर्मेशन पता चल सकती है, मीन्स अमीनो एसिड का सिक्वेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एक साइंटिस्ट का नाम याद रख लो, फ्रेडरिक सैंगर. सैंगर्स मेथड भी होती है सीक्वेंसिंग की, उसने अपने नाम से ही बता दिया मेथड का नाम. ठीक है, सेकेंडली हम डाइवर्सिटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनिमल्स में जो इंसुलिन हार्मोन है और हमारे में जो है उसमें कितनी डाइवर्सिटी आ गई, कितना चेंजेस है. ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर. व्हाट अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? एक स्टेप अब हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा एडवांसमेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी रेज होगी. जो प्रोटीन आपको सीधा दिख रहा है वो प्रोटीन आपको इतना सीधा नहीं दिखेगा. Somehow complexity arises. Either that complexity is in the form of helix, we can say. See here. Or that may be in the form of pleated sheet. ऐसे pleated sheet बनाती है. ऐसे plates कैसे होती? Plates जैसा arrange. ऐसा भी हो सकता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा structure हमारा linear नहीं रहा. इधर वो हेलिकल फॉर्म में होगा तो उसको हम अल्फा हेलिक्स कहेंगे, और अदरवाइज वो प्लेट्स के फॉर्म में होगा तो हम कहेंगे बीटा प्लीटेड शीट. ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट. अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, डिफरेंस ये बीटा और अल्फा में ये बेसिस पे है कि किसी में अल्फा कार्बन एटम हेलिक्सल फॉर्मेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वॉल्व होता है, ये रीजन है अल्फा का. और बीटा का रीजन ये है कि अपार्ट फ्रॉम दैट अल्फा कोई बाकी भी कार्बन कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते होंगे, दैट्स इट. कुछ ज्यादा नहीं है, इस पे कभी क्वेश्चंस भी नहीं आते और अननेसेसरी कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं करना, इस पे मैं ज्यादा फोकस भी नहीं करूंगी. ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लोकल फोल्डिंग, इनिशियल फोल्डिंग. अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो रहा है. लोकल फोल्डिंग क्यों? क्योंकि आगे जाके और मैक्सिमम फोल्डिंग होगी, इसलिए अभी वो लोकल फोल्डिंग. लोकल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इन सम रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में, गिव्स राइज टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. यहां तक स्ट्रेट और बाद में एकदम से वो फोल्ड, लोकल फोल्डिंग. लोकल फोल्डिंग इन पर्टिकुलर रीजन, फोल्डेड होना या समहाउ पर्टिकुलर रीजन में इस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होने के वजह से पर्टिकुलर प्लेट बनना. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं. याद रखना ऐसे वर्ड्स, लोकल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इन सम रीजन, ऐसे ही पूछ लेते हैं. गिव्स राइज टू डैश, व्हाट गिव्स राइज टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नॉट अ टर्शियरी वन. अगर प्राइमरी के लिए क्वेश्चन आता है तो लीनियर सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स अरेन्ज विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड इज कॉल्ड एज डैश स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर. लीनियर सीक्वेंस वर्ड से ही पता कर लेना है. ठीक है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी वन इज अल्फा एंड बीटा प्लेटेड शीट. व्हाई दे आर ही सेइंग, व्हाई वी आर सेइंग मोस्ट कॉमन, क्योंकि सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो ही टाइप के नहीं होते, देर आर रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑल्सो देयर, बट दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू. फिर भी मैं एक बता देती हूँ, बीटा टर्न. इसके अलावा भी है बट सबसे कॉमन अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट, और इसके बाद एक नंबर आएगा बीटा टर्न का. यू जस्ट फोकस ऑन दिस टू. ओके, इसलिए मोस्ट कॉमन कहा है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस टू ऑल्सो रेस्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस टू देर आर फ्यू मोर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो अराइज, बट दैट आर इन वेरी लेस अमाउंट. दैट्स वेयर वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट. ठीक है, चले आगे. यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर रखा है, दिस इज अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट. हाँ, इस टाइप का ही स्ट्रक्चर बनता है. सी, इस टाइप का ही स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, ऐसे कुछ. ठीक है, आप कहोगे मैम यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया है. दिस इज व्हाट, दिस इज अ बीटा टर्न, जिसकी बात मैंने अभी कही. बीटा टर्न को हम मैक्सिममली यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बट ये जो है This one is. That means ऐसा कुछ और ये ऐसा कुछ, ऐसे ही बात. Easy way में मैं ऐसे लिख रही हूँ. ठीक है, ये plates होती है. This is a beta plate. ठीक है, अब कहोगे मैम ये क्या है? ये turn है, beta turn.
जिसकी बात, दैट इज अल्सो टाइप ऑफ व्हाट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बट हम उस पर फोकस नहीं करेंगे. ठीक, अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट. अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड rod. Some portion of the thread are folded either in the form of helix or beta plated sheet. क्या कह रहा है? जो पूरा प्रोटीन है, पूरा प्रोटीन है, क्या वो लीनियर थ्रेड जैसा अरेंज होगा क्या? ना, वो ऐसा जरूरी नहीं है. सी, यहाँ पे एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस फॉर्म हुआ हुआ प्रोटीन है और सडनली वो किसमें कन्वर्ट, वो आगे जाके क्या बना रहा है, वो अल्फा हेलिक्स बना रहा है और थोड़ा फिर से लीनियर स्ट्रक्चर दिखाया और बाद में देखो जरा एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट बीटा प्लेटेड शीट बना रहा है. मींस वो ये कह रहा है, पॉइंट में पता है क्या कह रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई प्रोटीन अगर है, इट डजंट मीन कि वो आखिर तक एक्सटेंडेड ही रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, बीच बीच में अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट और बाकी भी और पोर्शन आ सकते हैं. ठीक है, ओके. तो ये जो पोर्शन है, दिस इज अ बीटा टर्न जो कि हम नहीं बात कर रहे, ठीक है. दिस इज अ बीटा प्लेटेड शीट, जो इस एंगल, इस डायरेक्शन में जो एक एरो जा रहा है और इस डायरेक्शन में जो एक एरो जा रहा है, इसका भी क्या मतलब है, दैट वी विल सी. ठीक है, ओके, यहां तक ठीक है. आगे, एवरी हेलिकल टर्न इन एन अल्फा हेलिक्स is 3.6 amino acid residue. ये पॉइंट को आप लर्न कर दो, 3.6 amino acid residue. But फिर भी मैं आपको कहूंगी कि ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम डीएनए की बात करेंगे तो हमें वहां पे हमें नाइट्रोजन बेस के टर्न्स आएंगे. डीएनए के बेसिस पे टर्न्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के बेसिस पे टर्न रेयर इंपॉर्टेंट है. सिर्फ इतना याद रखना, जो अब अल्फा हेलिक्स की बात कर रहे, जो हम अल्फा हेलिक्स की बात कर रहे, वो टर्न कौन से पोजीशन पे आ रही है, ये वाला. फोल्डिंग कब होगी? जब तीन एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड और ये तीसरा अमीनो एसिड और जो फोर्थ अमीनो एसिड है वो 3.6 मीन्स ना इधर ना उधर, 0.5 जैसे होता वैसे, वो फोर्थ अमीनो एसिड से यहां से टर्न हो गया, 3.6 कह दिया उसने. समझ रहे हो मेरी बात? 3.6 अमीनो एसिड्स एक टर्न में इन्वॉल्व रहते हैं. मींस कुछ पोर्शन इधर वाले टर्न में जाएगा, कुछ पोर्शन इधर वाले. 3.6 अमीनो एसिड्स पर टर्न. एक हेलिकल टर्न में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 3.6 अमीनो एसिड्स, ठीक है, एक अल्फा हेलिक्स के. ठीक है, अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में अगर जितने टर्न्स रहेंगे उस बेसिस पे मल्टीप्लाई कर देंगे. जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो डीएनए में आएगा, अगर वहां पे प्रोटीन के साथ आ जाएगा तो प्रोटीन का न्यूमेरिकल का पोर्शन जब मैं आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगी वहां पे कवर करूंगी. डोंट वरी. रोल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. जो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड जो शीट्स होती है, ये मैक्सिममली मोस्ट फाउंड इन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरल वे. स्ट्रक्चरल वे में रोल प्ले करते हैं, मींस आपको मैंने अभी तो पढ़ाया था आपको, पता है. अब एक मिनट, हम थोड़ा बैक चलते हैं, थोड़ा बैक. हमने पढ़ लिया है ये, पर आपको 10 बार मुझे रिवाइज कराना पड़ता ही है. वेट, एक मिनट. हाँ, याद है कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन, याद है कुछ फाइब्रस प्रोटीन, कोलेजन, केराटीन, हिस्टोन, प्रोटामीन, यस, एग अल्ब्यूमिन, याद है कुछ. इस टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं. यू नो कोलेजन इज व्हाट? कोलेजन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है. एक सेल को दूसरे सेल के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एक ऐसा कोई प्रोटीन है जो कि कनेक्टिविटी बनाता है दो सेल्स में. दिस इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. केराटीन आपके हेयर में होता है, हेयर को स्ट्रेंथनिंग देता है, एक टाइप का स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है हेयर में होने के वजह से. अल्फा केराटीन का कॉन्सेंट्रेशन हेयर में ज्यादा हो जाए तो घुंघराले बाल हो जाते, थोड़ा कम रहे तो स्ट्रेट हेयर रहते हैं. राइट, मीन्स कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं.
कोलेजन जो है वो भी तो एक टाइप का क्या है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है टाइप के, एक फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन भी एक टाइप के, अल्ब्यूमिन, सीरम सीरम ग्लोब्यूलिन, एक सीरम ग्लोब्यूलिन यानी आपकी बॉडी में जो भी एंटीबॉडी होती है वो इम्यूनो ग्लोब्यूलिन होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी तो ग्लोब्यूलिन से बना है, एक ग्लोब्यूलर इस टाइप का स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर टाइप। तो व्हाट आई एम सेइंग कि जो, एक मिनट इसको डिस्कार्ड करना है, कि जो भी आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम आएगा याद रखना है एस से सेकेंडरी और एस से स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करने वाला, एस से सेकेंडरी और एस से स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करने वाला कोई स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का तो वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट कहो या अल्फा हेलिक्स कहो। इस पॉइंट को फटाफट अच्छे से आपके नोट्स में, जो कभी आप इजी वीजी नोट बना रहे होंगे आपके, हाँ उसमें आप इसको हाईलाइट करोगे, ठीक है। अब जो मुझे क्रिसमस का एक दो दिन मिल जाएगा मैं उसमें देखती हूँ, अगर मेरा नोट्स रेडी हो जाते प्रोटीन का, दैट इज जस्ट फॉर यू कि आपको पता रहे कि किस वे में बनाना है, तो एक बार मैं देना चाहती हूँ खुद से, देख लेना, सिर्फ प्रोटीन का पोर्शन पूरा बनाते रहोगे तो मुझे टाइम जाएगा, ठीक है। हो गया, स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करने वाले सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। आई नो दैट कि कोई कोई बच्चे काफी अच्छे हैं, वो अच्छे से बना रहे होंगे, बट फॉर दोस्त कि जिनको थोड़ी आइडिया नहीं है उनके, ठीक। हाँ देखो यहाँ पे 3.6 रेसिड्यू अमीनो एसिड के, सो दैट कि एक कंप्लीट एक टर्न हो गया, ठीक है, एक टर्न हो गया। कितने अमीनो एसिड्स थे? 3.6, ठीक है, 3.6 अमीनो एसिड्स। इन्होंने एन एंड और सी एंड ऐसे दिखाया है, इसका मतलब कुछ गलत नहीं समझना, ठीक है। यहाँ से शुरुआत है इसकी, ऐसे ये इन्होंने ऐसे बना दिया कि यहां से जा रहा है और फाइनली ये उसका इस साइड में वो ट्रेवल कर रहा है ऐसे, ठीक है। स्टार्टिंग है जहां से शुरुआत होती है, डायरेक्शन हम दूसरी जगह दिखाते हैं ना, जिस तरह हम जा रहे हैं, तो एन हो गया और ये सी हो गया, ठीक। ये स्ट्रक्चर बता रहे, ठीक। चलो अल्फा हेलिक्स को थोड़ा डिटेल में, अब तक तो हमने आइडिया देख ली कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज वॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 3.6, अगर अल्फा हेलिक्स की बात करें तो एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या करते हैं, बॉडी में ऐसे प्रोटीन्स को बनाने में मैक्सिमली इन्वॉल्व होता है जो कि स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल केराटीन, कोलेजन, जिसे ग्लोबुलर प्रोटीन से समहाउ बात की उन्होंने, ठीक है, बट मैक्सिमली केराटीन का और कोलेजन का ज्यादा रोल है। अल्फा हेलिक्स की अगर बात करें, एक हमें पढ़ना है अल्फा हेलिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक हमें पढ़ना है बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है, ठीक। अल्फा हेलिक्स की बात करें, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन एवरी फोर्थ अमीनो एसिड्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द पॉलीपेप्टाइड्स गेट्स द हेलिकल शेप। इस टाइप का आपको क्या मिलेगा, एक हेलिकल शेप मिलेगा, ऐसा जो हेलिकल शेप होता है उसको ही तो कहते हैं हम अल्फा हेलिक्स, नाम से ही वो अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। शेप कैसे रहेगा, हेलिकल रहेगा, कोई प्लेट्स नहीं बनाएगा वो, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बॉन्ड इन्वॉल्व है, पहले तो कहा था पेप्टाइड बॉन्ड हर किसी में रहेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड हर किसी में रहेगा, प्राइमरी में भी है, फिर सेकेंडरी में क्या स्पेशल है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो स्पेशली किसमें दिख रहा है आपको, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आगे दिख रहा है, प्राइमरी में इन्वॉल्व नहीं है, टर्शरी में है बट प्राइमरी में नहीं है, शुरुआत सबसे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मिलता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो अलग टाइप के है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, फोर्थ अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व है, ठीक हो, यहां से ये और यहां से ये वाला, ठीक। पॉलीपेप्टाइड को हेलिकल शेप होता है, दैट्स व्हाई अल्फा हेलिक्स कहते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं जिसका 0.9 से ज्यादा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, दिस इज अ केमिस्ट्री कंसेप्ट,
से मैं आपको इतना बताऊंगी जिसका 0.9 से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नंबर होता है, इसलिए उसको हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव कहते हैं। तो उस कैटेगरी में चार ही आते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये और हाइड्रोजन। ठीक है, इन जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये जो एटम्स रहेंगे, इनके बीच में ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन एटम, यही है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं बिटवीन। अपनी लाइन को फिर से पढ़ते हैं, सी इलेक्ट्रोनिगेटिव जिसका हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा 0.9 से ज्यादा रहेगा, वो क्या रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलिजिबल होंगे। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इनके बीच में, इधर दैट मे बी अ नाइट्रोजन और मे बी ऑक्सीजन और मे बी अ फ्लोरिन। मैक्सिमली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं, फ्लोरिन नहीं होता, बिकॉज आपको भी पता है, आपको भी पता है कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में कभी हमने फ्लोरिन का पढ़ा है क्या? पढ़ा है नहीं ना, नाइट्रोजन तो पढ़ा है हमने, यस, और ऑक्सीजन की भी बात कर सकते हैं बिकॉज हमने सीरीन थ्रियोनिन पढ़ा है, या COOH में भी CO होता है, सीरीन थ्रियोनिन OH कंटेनिंग है ना, बट फ्लोरीन कंटेनिंग कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता। तो इन्होंने इन जनरल बताया, अगर पूरा टेबल देखो आप, पूरा जो भी आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी एटम्स है, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए इलिजिबल होते हैं, बट इनमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यही तो मैक्सिमली प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में यही तो होंगे जो कि हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, दैट्स बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिक्युलर का मतलब बाद में देखेंगे। इन प्रोटीन Only right-handed alpha helix are observed. याद रखना, right-handed alpha helix observe होते हैं। जब पूरा structure बन जाता है तो वो right-handed alpha helix होता है। Maybe शुरुआत हो जाए तो शायद से वो left-handed हो, but finally जब पूरा बन जाता है वो right-handed होता है। Example के साथ पता चल जाएगा। Example, keratin protein of the hair right-handed होते हैं। Right-hand thumb rule कुछ याद होगा तो देखो, मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ, ठीक है, ये होता है लेफ्ट हैंडेड, पता है आपको, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, और ये होता है आपका राइट हैंडेड। इस टाइप का अल्फा हेलिक्स नेचर में पाया जाता है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। तो जैसे याद है आपको, मैंने कार्बोहाइड्रेट में कुछ डी अमीनो एसिड्स की बात, डी ग्लूकोज की बात की थी जो कि नेचर में ज्यादा पाया जाता है, जो कि मैक्सिममली होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें कि अल्फा हेलिक्स की बात करेंगे तो उसमें राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज मोस्टली ऑब्जर्व, वेरी फ्यू एक्सेप्शनल केसेस मे बी देयर दैट यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, से हम आपको इतना याद रखना है, राइट हैंडेड में मैक्सिममली नेचर में पाया जाएगा। देखो, फोर्थ जो कार्बन रहेगा पर्टिकुलर, इसके बाद फोर्थ जो कार्बन रहेगा, फोर्थ नंबर का जो कार्बन रहेगा, एक मिनट, ठीक, तो ये देखो यहां पे क्या होगा, आफ्टर एवरी फोर्थ नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, सी आफ्टर एवरी फोर्थ नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है NH पर्टिकुलर एक टर्न में, पर्टिकुलर पूर आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए फोर्थ नंबर का एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड ऐसे करके जो आपका फोर्थ नंबर का जो कार्बन आएगा, कार्बन फोर्थ नंबर का जो कार्बन रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व रहेगा, याद रखना एच, और यहाँ पे ओ की बात की है। अभी मैंने कहा आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें से ये दो प्रोटीन में जहां पे भी रहेंगे वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेंगे, और जिसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0.9 से मोर होगी, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, यही हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकते विद द हेल्प ऑफ विद हाइड्रोजन एटम के साथ, इधर दिस और दिस ऐसे बॉन्ड बना सकते, दैट बॉन्ड वी कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्ड। और नेचर में राइट हैंडेड हेलिक्स ज्यादा पाया जाता है, मैक्सिमली वही होता है, बहुत रेयर होगा, ठीक है, कि दूसरा होगा। हमने अभी अल्फा हेलिक्स के बारे में हमने अभी तक अल्फा हेलिक्स के बारे में क्या देखा, इंट्रामोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी देयर,
हाइड्रोजन बॉन्ड किसके इसमें फॉर्म होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, ये भी कभी बाय चांस पूछा तो पूछा पर पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशलिटी है और अल्फा हेलिक्स में 3.6 अमीनो एसिड होते हैं एक टर्न में, ठीक है। अब देखो बीटा प्लेटेड शीट की बात करते हैं, आर फॉर्मड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑन द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, आ गया ऑन द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ पॉजिटिव नाइट्रोजन एटम इन अमीनो ग्रुप एंड निगेटिव ऑक्सीजन एटम, आपको पता है NH3+ कहते हैं पॉजिटिव नाइट्रोजन और COO- कहते हैं तो निगेटिव ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑन द पेप्टाइड बॉन्ड। मीन्स जो हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं दैट इज अ बैकबोन ना, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ये जो अरेंज हो रहे यही तो मेन बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। बाकी ये अमीनो एसिड इधर से चलने वाले कोई दूसरे अमीनो एसिड के साथ कोई बॉन्ड बना भी रहा हो तो वो आपका मेन बैकबोन वाला बॉन्ड नहीं है, वो साइड बाय बॉन्ड है। मेन बैकबोन वाला बॉन्ड मेन बैकबोन वाला बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो बैकबोन बनता है आपका वो पेप्टाइड से बनता है, इसलिए यहाँ पे पेप्टाइड बैकबोन ही आएगा, यहाँ पे पेप्टाइड बैकबोन ही आएगा। जो प्लीट से आर फॉर्म बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एटम ऑन द बैकबोन, जो बैकबोन पे जो एटम है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक मिनट, मैं इंट्रा को होल्ड पे रखा है, आई नो, मैं बताती हूँ। पहले इसको देख लेते हैं या पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, आपको अभी से पता चल जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ इंट्रा का मतलब क्या होता है। उस दिन मैंने आपको इंट्रा सेल्यूलर कुछ बताया था, वही फंडा है, और इंटर सेल्यूलर भी कुछ कहा था। कोई मुझे बता पाएगा इंट्रा और इंटर का मतलब क्या होता है, इंट्रा सेल्यूलर और इंटर सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, ऐसे कुछ होता है क्या विद इन, ऐसा कुछ बताया था मैंने विद इन कुछ कहा था, यस और नो। विद इन मीन्स सेल के अंदर की बात करेंगे तो इंट्रा इनसाइड, यस और नो, यस और नो। इंटरसेलुलर की बात करेंगे तो हम ऐसी बात करेंगे इन बिटवीन, इन बिटवीन, ऐसे कुछ कहा था, वही फंडा लगाओ यहाँ पे। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या लिखा था मैंने अल्फा हेलिक्स में, अल्फा हेलिक्स में मैंने लिखा इंट्रा विद इन। देखो जरा डायग्राम को, जो बैकबोन है, जो ये बैकबोन है, इस बैकबोन में एक ही पॉलीपेप्टाइड के बीच में ही तो बात हो रही है, सी ऐसे ही तो हो रही है ना बात, इसी के इसी में ही। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स एक पॉलीपेप्टाइड के बीच में ही तो बात हो रही है, ऐसे नहीं समझेगा तो ऐसे देखो। एक मिनट, ये काफी अच्छी डायग्राम है, समझना हो तो इससे समझ सकते हो, देखो बहुत अच्छी डायग्राम है। सी ये हेलिक्स बन रहा है ऐसे, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे कुछ हेलिक्स बन रहा है, राइट। देखो ये हेलिक्स है, एक पेप्टाइड है, यहां से स्टार्ट हुआ होगा ऐसे कुछ, बीच में ऐसे अल्फा इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक ही बैकबोन चल रहा है, कितना कौन सा बैकबोन चल रहा है, यही तो पेप्टाइड का बैकबोन चल रहा है, इसी बैकबोन के बीच में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज व्हाट इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, बट विद इन दैट बैकबोन ओनली, इसी बैकबोन के अंदर ही तो हो रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है, सी विद इन दिस, विद इन दिस, विद इन दिस ही तो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो प्लेटेड में एक प्लेट ऐसे चल रही है, यहाँ पे देखो एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, यानी दो पॉलीपेप्टाइड की भी बात हो सकती है। देखो यहाँ पे ये प्लेट बीच में अगर वो टर्न से इन्वॉल्व है तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड को हम दो बोल देंगे, टर्न कभी भी
वहां से कट भी हो सकता है, ठीक है, प्लेट बनाने के वक्त। देखो प्लेटेड में सी एक ये पेप्टाइड और एक दूसरा, तो मुझे बताना एक बैकबोन ये हुआ, एक बैकबोन ये हुआ और एक बैकबोन ये भी तो हुआ, यानी यहाँ पे अलग अलग बैकबोन की बात हो रही है। इन बिटवीन टू बैकबोन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा है। देखो देखो मिल रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो इसको क्या कहोगे, मैंने अभी तो आपको बताया था, एक यार यहाँ पे हाथ जा क्यों नहीं रहे, मैंने अभी तो आपको कहा था इंट्रा मीन्स विद इन, विद इन दैट बैकबोन, एक ही बैकबोन के अंदर बात चल रही है, सी विद इन दिस विद इन दैट बैकबोन ओनली। और इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, एक बैकबोन और दूसरे बैकबोन की बिटवीन जो बॉन्ड बन रहा है उसको इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और जो एक ही बैकबोन के बीच में, एक ही बैकबोन चल रहा है, देखो एक ही है, सिर्फ वो ट्विस्ट ले रहा है, टर्न ले रहा है, हेलिक्स बना रहा है, तो उसको कहेंगे हम इंट्रा, ट्रा मीन्स विद इन, उसी के उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर का मतलब दो दो शीट है, एक ये शीट हो गई, एक दूसरी शीट हो गई, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना, याद रखना, समझा ये पॉइंट आपको, इंट्रा और इंटर, ये इंट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर के बेसिस पे ही इसको भी समझ सकते हो। इंट्रासेलुलर मींस विद इन, इंटरसेलुलर मींस इन बिटवीन दो सेल, जैसे ही इंट्रा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मींस बिटवीन दो प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच की बात, ठीक है। अब आपको ये वाला पॉइंट समझ गया कि अल्फा हेलिक्स में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बीटा हेलिक्स में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। अब चलो पैरेलल को समझते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। हमने अभी तक अल्फा हेलिक्स अच्छे से पढ़ लिया, सब पॉइंट्स कवर हो गए। बीटा प्लेटेड शीट का देखो इंपॉर्टेंट वन, द प्लीट सेगमेंट्स अलाइन पैरेलल, ऐसे अलाइन हो सकती है एन सी, ऐसे अलाइन हो सकती है, हो सकती है, अदरवाइज ऐसे भी अलाइन हो सकती है, सॉरी ऐसे बनाया क्या मैंने, ऐसे सी के टूवर्ड्स जाते तो हम ऐसे बनाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एन सी मैं डायरेक्ट डायग्राम ऐसे बना दूं या मैं सी को ऐसे लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है, एन से शुरुआत और सी से एंड, इतना याद रखें। दिस इज पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल चल रहे हैं हम दोनों, ऐसे कहते हैं ना पैरेलल, ट्रेन पैरेलल चल रही है एक साथ। अब देखो अगर ये एन, अगर ये एन सी ऐसे जा रहा है और यहाँ पे अगर ये ऐसे आ रहा है तो आप क्या कहोगे, दीज आर वॉट एंटी पैरेलल, यस और नो। इस टाइप के शीट्स मिलते हैं, कभी एक पेप्टाइड आपको एक, दोनों पेप्टाइड, पेप्टाइड नंबर वन और पेप्टाइड नंबर दो, दोनों अपने, दोनों का माइंडसेट एक है, दोनों पैरेलली चल रहे, माइंडसेट मींस इन जनरल बता रही हूं मैं, हाँ अगर दोनों का एक दूसरे से समझ लो 36 का आंकड़ा है तो वो जाएंगे उल्टे, इन जनरल इस पे नहीं है, जाएंगे उल्टे, एंटी पैरेलल। बीटा प्लेटेड में ही होगा, अल्फा अल्फा हेलिक्स में क्यों नहीं होगा, बिकॉज अल्फा हेलिक्स में तो एक ही बैकबोन रहता है, वो क्या उल्टा सुल्टा दिखाएगा, इसमें दो दो पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, बीच में टर्न्स वो कट हो गई तो दो पॉलीपेप्टाइड्स को भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसको पैरेलल एंटी पैरेलल का नेचर आपको बीटा प्लेटेड शीट में मिलता है। द स्ट्रैंड्स देखो अलाइन पैरेलल, पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, डायग्राम से और अच्छा समझेगा। द स्ट्रैंड्स ऑफ बीटा शीट्स मे बी पैरेलल, पोजिशनिंग इन अ सेम डायरेक्शन, यस पोजिशनिंग इन अ सेम डायरेक्शन मीनिंग दैट एन एंड सी टर्मिनल मैच अप, यस मीनिंग दैट एन एंड सी टर्मिनल एक एक दोनों का एक एक ही डायरेक्शन में है, मैच्ड अप, एन इधर है तो इसका भी एन इधर है, इसका भी सी इधर है, इसका भी एन इधर है, इसका भी सी इधर, अदरवाइज अदरवाइज एंटी पैरेलल हो तो पोजिशन पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन मीनिंग दैट एन टर्मिनल ऑफ वन स्ट्रैंड पोजिशंस नेक्स्ट टू द टर्मिनल्स ऑफ द नेक्स्ट टू द सी टर्मिनल ऑफ अनादर, एन टर्मिनल ऑफ वन स्ट्रैंड पोजिशन नेक्स्ट टू द सी टर्मिनल ऑफ अनादर मीन्स इन दोनों का अपोजिट है, नाम से ही पता चलता है, इतना क्या बताना है, ठीक है। चले चले आगे देखो, पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स, ये एंटी पैरेलल बीटा शीट्स है और ये पैरेलल बीटा शीट्स है,
ये पैरलर है और ये मिक्स्ड भी हो सकती है. थोड़ा सा पैरलर देखो, ये एंटी पैरलर आ गया राइट, ये एंटी पैरलर आ गया और फिर से यहाँ पे क्या आ गया, पैरलर. ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है, जरूरी नहीं कि प्लेट सिर्फ इतनी ही रहे, प्लेट्स ऐसी भी हो सकती है, मिक्स्ड भी हो सकती है. दोनों पैरलर भी रह सकते, कभी एंटी पैरलर भी हो सकते हैं. इन बीच यहाँ पे मिक्स्ड राइट, यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड है. एक इधर दिस, ये केस भी हो सकती है, ये केस भी हो सकती है, अदरवाइज मिक्स्ड केस भी हो सकती है. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा शीट्स, डैश लाइन इंडिकेट्स द मेन चेन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड यू नो दैट हियर कम्स द रोल ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, देखो एक पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है. आप कहोगे मैम इधर देखो पैरेलल में ऐसा जा रहा है, जिग्स है, और एंटी पैरेलल में स्ट्रेट जा रहा है. इस पे जनरली क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे आपको, कभी नहीं आएंगे. तो ये डायग्राम मैंने रख दिया है सो दैट कि आपका लॉजिक ऐसे ही सेट हो जाए. देखो यहाँ पे आपको वैसे ही पता चल रहा है कि सी है, देखो COO माइनस ऐसे ही लिखते हैं ना, COO माइनस, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ दिखा रहा है. आपको पता है कार्बोक्सिल ग्रुप है ये, और ये क्या है NH, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन वगैरह होगा NH2, NH3 प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना. तो ये सी टर्मिनल हो गया और ये क्या हो गया इनका एन टर्मिनल. एंटी पैरेलल हो हुए कि नहीं, एक 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 साइड में है क्या, ऐसा है क्या कि यहाँ पे एंड टर्मिनल है तो यहाँ पे भी एंड टर्मिनल है? नहीं, देखो यहाँ पे भी एंड टर्मिनल है और यहाँ पे भी एंड टर्मिनल है राइट. यस, तो जो एन और सी टर्मिनल होता है, जब सी अगर अपोजिट हो तो उनका जो बॉन्डिंग का जो पैटर्न होता है वो स्ट्रेट आ जाता है. इधर से जो जा रहा है, इधर से जो जा रहा है, उनका बॉन्डिंग का पैटर्न जो होता है, उनका जो इस सी डबल बॉन्ड ओ होता है ये, और यहाँ पे जो NH होता है, ये थोड़े एक दूसरे के साइड साइड में आ जाते हैं, दूर नहीं रहते. अगर एक दून, एक दून, दोनों एक एक दूसरे के जस्ट अप जस्ट साइड में आएंगे, जस्ट स्ट्रेट आएंगे, तो ऑब्वियसली वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रेट ही तो बॉन्ड दिखाएंगे. देखो स्ट्रेट स्ट्रेट बॉन्ड, एंटी पैरलर में स्ट्रेट बॉन्ड बनता है. एक बार बना के भी देखना तो आपको वैसे ही पता चलेगा. बट जो पैरलर होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं ना, तो COO NH2 नीचे जाएगा. फिर से सी देखो, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है और ये इन बिटवीन दोनों के बीच में जो बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है. बोलना नहीं मैडम यहाँ पे सी यू ये बन रहा है मैम, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, याद रखना ठीक है. इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ हो रहा है ये, ठीक है. वो CONH बॉन्ड है, वो पेप्टाइड बॉन्ड है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड. ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इस वे में अरेंज होते हैं. अगर वो पैरेलल रहे तो एक साइड से अगर रहते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो NH है, इसका NH, इसका CO यहाँ पे आएगा, इसका भी CO यहाँ पे आएगा, बट इसका NH नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा ना, तो ये इस टाइप का बॉन्ड बना. मीन्स पैरेलल में zigzag स्ट्रक्चर से ही पता चलता है और एंटी पैरेलल में स्ट्रेट. याद रख सकते हो तो रख दो, इसके ऊपर कुछ नहीं पूछने वाले, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा ही हो गया ठीक है. अब हो गया बीटा प्लेटेड शीट्स की बात. बीटा प्लेटेड शीट में ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है. देखो मैंने यहाँ पे टर्न बताया है आपको, सी ये बीटा टर्न होता है, ऐसे कर दो तो पेप्टाइड्स अलग हो जाते हैं. द सरफेस ऑफ बीटा शीट्स अपीयर प्लेटेड. बीटा शीट्स का जो सरफेस होता है वो ऐसे प्लेट्स जैसे लगता है, सी यहाँ पे प्लेटेड अपीयरेंस दिखता है. एंड दिस स्ट्रक्चर देयरफॉर कॉल्ड एज बीटा प्लेटेड. यस, पॉलीपेप्टाइड चेन फुल्ली एक्सटेंडेड होती है, अच्छी खासी एक्सटेंडेड लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें कि बहुत बड़ा सा आपको प्लेटेड शीट मिल सकता है. डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेड अमीनो एसिड्स इज 3.5, नो नीड टू लर्न. स्टेबिलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यस, बट मोर स्पेसिफिक इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ये कोमल 10 बार, कोमल आप 10 बार आते हो, 10 बार मुझे आपको एडमिट करना पड़ता है. इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बी स्पेसिफिक बिकॉज हम बीटा प्लेटेड की बात कर, ठीक है. अगर इन जनरल पूछा तो हाइड्रोजन बॉन्ड, बट अगर स्पेसिफिक पूछता है इसके चांसेस भी है इंटर मॉलिक्यूलर. पैरलर और एंटी पैरलर दो टाइप के बीटा प्लेटेड शीट हो सकते हैं. पैरलर बीटा प्लेटेड शीट रन इन सेम डायरेक्शन, याद आ रहा है, रन इन सेम डायरेक्शन. फ्लेवोडॉक्सीन करके जो प्रोटीन होता है उसमें आपको
उस वो जो प्रोटीन होता है उसमें जो आपको बीटा प्लेटेड शीट मिलता है वो पैरेलली अरेंज्ड होता है, एग्जांपल याद रखिए। और एंटी पैरेलल का अच्छा एग्जांपल है सिल्क फाइब्रोइन। आपको पता है बीटा स्ट्रक्चर होता है सिल्क, सिल्क फाइब्रोइन, सिल्क जो बनता है ना वो एक प्रोटीन से ही तो बनता है, कौन सा होता है वो, फाइब्रोइन। यस, सिल्क वर्म्स जो होते हैं जो सिक्रेट करते दैट इज व्हाट फाइब्रोइन। आई गेस तिलक ने पूछा था तब मैंने उसको कहा था तिलक फाइब्रोइन होता है सिल्क वर्म, ठीक है। यस तिलक, हाँ तो उसका स्ट्रक्चर याद रखना कि वो फाइब्रोइन बीटा प्लेटेड एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। देखो मोर स्पेसिफिक एंटी पैरेलल। और एक एंजाइम होता है, देखो प्रोटीन्स जो बनते हैं वो एंजाइम करके वर्क कर सकते हैं ना, हाँ प्रोटीन्स आर एंजाइम्स आर व्हाट, मैक्सिमली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, मैक्सिमली क्यों का, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस है डीएनए में देखेंगे, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है उसमें आपको बोथ स्ट्रक्चर मिलता है पैरेलल और एंटी पैरेलल, मीन्स मिक्स स्ट्रक्चर मिलता है, पैरेलल स्ट्रक्चर भी मिलता है और एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर भी मिलता है। इसके अलावा भी आपको एक आपकी एक एक्सरसाइज में बता रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको गूगल टाइप करना है, थोड़ा आप भी करें, गूगल टाइप करना है, उसमें आपको बीटा प्लेटेड शीट के बेसिस पे पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा प्लेटेड शीट प्रोटीन, उसकी उसका जो मोस्ट कॉमन होता है पहले जो आ जाता है वो मोस्ट कॉमन होता है, वो दो तीन एग्जांपल्स आपको लर्न करना है, और एंटी पैरेलल के दो तीन, मिक्स के कोई करने की जरूरत नहीं, एक ही काफी है, ठीक है। ये आपके लिए एक्सरसाइज, ठीक। ये लिख दिया था मैंने, when two or more polypeptide chains held together by intermolecular bond, the structure is called as beta-plated sheet. ये हो गया intermolecular, क्या है? In between, between two plates, ये जो structure form हो रहा है, ये structure जो form हो रहा है, ये क्या होगा? ये कौन सा structure, ये कौन सा bond होगा? Intermolecular, beta-plated में होता है। देखो, अब हो गया आपका secondary structure, but सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाने के चांसेस भी होते हैं वो ज्यादातर एग्जांपल्स पे होते हैं, और कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट जो आपका स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत कॉमन होता है वो हर बार पूछते हैं, जैसे कि हमारा कोलेजन। कोलेजन आपको पता है, कोलेजन वर्ल्ड का एनिमल, अगर एनिमल के बेसिस पे बात करें तो एनिमल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या पढ़ाया था मैंने, कौन सा प्रोटीन होता है, वो कोलेजन होता है, याद है कुछ? होल बायोस्फीयर में कौन सा होता है? रूबिस्को, राइट? यस, याद है? याद है क्या? तो ये तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, प्लांट में देखेंगे, बट कोलेजन का यहाँ पे नाम आ गया। क्यों ऐसे मैम, कोलेजन को क्यों पढ़ना है? ऐसे तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है कोलेजन। वो हमारे बॉडी में क्या बनाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म करता है। किस टाइप का होता है? ये होता है कनेक्टिव टिश्यू, इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करता है दो सेल को, ठीक है, दो सेल को कनेक्ट कर सकता है कौन? कोलेजन। कोलेजन का स्ट्रक्चर पता है आपको? कोलेजन का स्ट्रक्चर है हेलिकल, यानी कैसे बना है वो पता है आपको? अल्फा हेलिक्स से बना। कैसे बना है? अल्फा हेलिक्स, बट स्पेशल टाइप का है। मैंने क्या कहा था? वो स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी लाता है बीच में ऐसे। तो मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये अल्फा हेलिक्स जो होते हैं वो अल्फा हेलिक्स, तीन अल्फा हेलिक्स यहाँ पे आने के बाद एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको कहते हैं हम कोलेजन, उसको कहते हैं हम कोलेजन। देखते हैं जरा, देखते हैं क्या है कोलेजन के बारे में, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें इकट्ठा करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलेजन जो होता है वो एक टाइप का प्रोटीन है। किस टाइप का प्रोटीन? अल्फा हेलिक्स कंटेनिंग, मीन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेनिंग, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही तो आता है अल्फा हेलिक्स। अब प्रोटीन तो है, प्रोटीन सीक्रेट किसने किया? कौन से बॉडी के सेल्स ने किया? हमारे बॉडी में एक फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो फाइबर्स बनाते हैं, और कोलेजन भी कैसे एक फाइब्रस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिकल, बट इसे अल्फा हेलिक्स कैसे फाइबर्स है, ऐसे फाइब्रल स्ट्रक्चर है, समझो एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा अल्फा हेलिक्स, तीसरा अल्फा हेलिक्स, ऐसे मिक्स करके कोई रॉड बनाता है, एक रॉड स्ट्रक्चर बनाता है। तीन अगर ऐसे मिक्स हो जाए, रस्सी को कभी देखा आपने? तीन चार ऐसे लाइंस को देखो रस्सी के, और वो एक दूसरे में ऐसे कॉइल्ड हो जाती है ना, तो एक ऐसे रॉड लाइक आपको अच्छी खासी पालना जो बनाते हैं छोटे बच्चों का, हाँ अच्छी खासी रस्सी मिलती है, ऐसे सोचो कि कोलेजन ऐसा ही तो है।
उसमें एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा अल्फा हेलिक्स, तीसरा अल्फा हेलिक्स, तीन अल्फा हेलिक्स आ गए और इन्होंने ऐसे कुछ टर्न ट्विस्ट लिए सो दैट ये टफ स्ट्रक्चर बना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना, ठीक है. सिंथेसाइज्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट. कौन से सेल ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, मैक्सिमली याद रखना, फाइब्रोब्लास्ट सेल. फाइब्रोब्लास्ट सेल सबसे पहले वो प्रो कोलेजन रहता है. हमारे बॉडी में जो भी होता है ना, इनिशियली वो इनएक्टिव फॉर्म में ही होता है, जब जरूरत होती है तब वो एक्टिव बनता है, ठीक है. जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है वी कॉल देम एज प्रो, प्रो इंसुलिन, प्रो कोलेजन, राइट, प्रो, ठीक है. इज सिक्रीटेड एंड कन्वर्टेड टू द कोलेजन. फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स है कि प्रोटीन बनाते तो है वो फाइब्रोब्लास्ट, जाने जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जाने जाते हैं ऐसे प्रोटीन बनाने के. फाइब्रोब्लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एक सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है जो कि टुगेदर कॉल्ड एज टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के टाइप बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंडर आता है वो ऐसे कोई प्रोटीन बनाता है, ऐसा कोई हेलिकल प्रोटीन बनाता है जिसको हम पहले कहते हैं प्रो कोलेजन. बाद में जब वो एक्टिव हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलेजन. जब जरूरत होगी तो वो एक्टिव होगा, ठीक है. अब जो कोलेजन है ये कैसे बना है, इट इज मेड अप ऑफ थ्री ट्रिपल, इट इज अ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर. ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं हम, क्योंकि इसमें कितने अल्फा हेलिक्स इन्वॉल्व है, थ्री अल्फा हेलिक्स इन्वॉल्व है, सो दैट आपका एक कोलेजन मॉलिक्यूल बन, यानी कोलेजन का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है. वन मॉलिक्यूल ऑफ कोलेजन कंसिस्ट ऑफ टू अल्फा एंड वन अल्फा टू, टू अल्फा एंड वन अल्फा, अल्फा वन एंड अल्फा टू पॉलीपेप्टाइड बनाते. कुछ थोड़ा बहुत अमीनो एसिड का डिफरेंस होगा तो उसको अल्फा वन और अल्फा टू कह दिया. तो सबसे पहले जो एक मॉलिक्यूल होगा वो होगा आपका इस टाइप का, क्या होगा वो, अल्फा वन. दूसरा जो होगा वो भी आपका क्या होगा, अल्फा वन. और तीसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, समझ लो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अमीनो एसिड थोड़े वैरी हो गए, तो वो क्या हो गया आपका अल्फा टू. ऐसे तीन अल्फा हेलिक्स इन्वॉल्व रहेंगे, थ्री. अब वो लेफ्ट हैंडेड रहेंगे, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स रहेंगे जब वो अलग अलग रहेंगे, जब वो अलग अलग रहेंगे. कैसे रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, तो कैसे रहेंगे वो इंडिविजुअली जब वो रहेंगे. सी, लेफ्ट हैंडेड होंगे जब वो इंडिविजुअली रहेंगे, और जब इन तीनों को एक साथ बाइंड, कंबाइन होके एक रॉड बनाना है, कोलेजन बनाना है, तब वो क्या हो जाएंगे, तब वो क्या हो जाएंगे, ऐसे करके एक रॉड बना देंगे जिसमें कि अल्फा वन के दो मॉलिक्यूल और अल्फा टू का एक मॉलिक्यूल जब इन्वॉल्व होगा तो ही तो आपका हेलिक्स बनेगा. सी, ये टू मॉलिक्यूल्स है अल्फा वन के, टू मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल किसका है, अल्फा टू का. ये लेफ्ट हैंडेड है जब वो इंडिविजुअली है, जब वो अलग अलग है, जब वो एक साथ आएंगे और हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो राइट हैंडेड हो जाएंगे. वो क्या हो जाएंगे, राइट हैंडेड. तीन मॉलिक्यूल, अल्फा वन, अल्फा वन, अल्फा टू. अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा आफ्टर ट्विस्ट एंड टर्न, अच्छा खासा कोलेजन टफ स्ट्रक्चर बनेगा, अब ये क्या रहेगा, राइट हैंडेड. याद रखना नेचर में राइट हैंडेड ही मैक्सिमम होता है, जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है, जो कि काम कर सकता है, ठीक है. देखो जरा पॉइंट को अच्छे से देखो. वन मॉलिक्यूल ऑफ कोलेजन कंसिस्ट ऑफ टू अल्फा वन, पता चल गया आपको, और एक अल्फा टू, मीन्स टू अल्फा वन प्लस एक अल्फा टू. अल्फा वन अल्फा टू बेस्ड ऑन डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस इन अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है. ईच कॉइल, ऑब्वियसली अल्फा हेलिक्स तो खुद भी तो कॉइल रहेगा इंडिविजुअली, बट किस टाइप में, लेफ्ट हैंडेड. अगर ये थ्री कॉइल, तीनों अल्फा हेलिक्स, अल्फा वन एंड अल्फा टू, ये तीनों जब एक साथ आएंगे टूगेदर, ये किस टाइप में आएंगे, राइट हैंडेड हेलिक्स में. और इसको ही तो हम फाइनली क्या कहते हैं, जब वो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोलेजन. अब कोलेजन का एक स्पेशलिटी है, इसमें ये वाला सीक्वेंस मिलता है, ग्लाइसिन, प्रोलीन और एक्स कहते हैं हम ऐसे तो इन जनरल,
पर इसको एक्स को हम कहते हैं हाइड्रोक्सी प्रोलिन। याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उठा लिया इन लोगों ने हाई लेवल का क्वेश्चन तो भी आएगा, अगर नीट वालों ने हाई लेवल का क्वेश्चन उठाया तो याद रखना, ग्लाइसिन विच काइंड ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इज मोर कॉमन मोर एबंडेंट इन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। तो यू शुड नो ग्लाइसिन प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज्यादा, ये वाला जो सीक्वेंस है, इट डजेंट मीन कि इसके अलावा कोई दूसरा सीक्वेंस नहीं रहेगा, बट इट टू थर्ड रहेगा, टू थर्ड इतना ज्यादा यही सीक्वेंस बहुत ज्यादा रहेगा। बाकी सीक्वेंस रहेंगे, बाकी अमीनो एसिड्स भी रहेंगे, बट उनका नंबर कम रहेगा। जी पी एक्स, और एक बताती हूँ, हाइड्रोक्सी प्रोलीन के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोक्सी लाइसिन भी होता है, अलग से याद रखना, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। हाइड्रोक्सी प्रोलीन के साथ हाइड्रोक्सी लाइसिन भी होता है, और ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन जब आते हैं तो ये हाइड्रोक्सीलेशन प्रोसेस दिखाते हैं। हाइड्रोक्सीलेशन ये जो प्रोसेस होती है जिसके वजह से कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बन पाता है। पता चला आपको ये इस अल्फा हेलिक्स में सब क्या अलग है? तो इसमें हाइड्रोक्सी प्रोलीन है और प्रोलीन है, एंड यू नो दैट अगर प्रोलीन का नंबर ज्यादा रहता है, जैसे आपको पता है कि सेल्यूलोज, अगर सेल्यूलोज बहुत ज्यादा रहता है तो आपको पता है कि वो प्लांट के सेल को रिजिड टफ बनाता है, यस यू नो दैट टफ बनाता है। अगर प्रोलीन का नंबर ज्यादा रहता है, सी स्टूडेंट, प्रोलीन का नंबर अगर ज्यादा रहता है तो उस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को वो क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, टफ बनाता है। और कोलेजन इज व्हाट, कोलेजन ऐसे टफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जो क्या कर रहा है, एक स्ट्रेंथ दे रहा है, एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी दे रहा है, एक सेल को इधर और दूसरे सेल को इधर प्रॉपरली अरेंज करके रखने के लिए बीच का एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या रहेगा, दिस हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग इनफ सो दैट कि वो दोनों को अच्छे से हेल्प कर सके उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देने के लिए, यस। तो जो प्रोलीन जो अमीनो एसिड होता है, याद रखना ये काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होता है। हाइड्रोक्सिल प्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन जो आते हैं ये हाइड्रोक्सीलेशन प्रोसेस के लिए आते हैं, और हाइड्रोक्सीलेशन प्रोसेस ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि तीनों अल्फा हेलिक्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और फाइनली एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोकोलेजन। देखो पहले प्रोकोलेजन, उसके बाद जब वो तीन अल्फा हेलिक्स कंबाइन हो जाएंगे क्या कहेंगे उसको, हम ट्रोपोकोलेजन, और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे और फाइनल फिनिशिंग जब हो जाएगी उसको कहेंगे हम कोलेजन। मीन्स तीनों अल्फा हेलिक्स जब एक साथ आते हैं उसको हम ट्रोपोकोलेजन कहते हैं, थोड़े बहुत एक दो बॉन्ड बनने के बाकी होते हैं, फाइनली फिर हमारा प्रोडक्ट कोलेजन कहलाता है, ठीक है। और ट्रोपोकोलेजन प्रोसेस में ही तो हाइड्रोक्सीलेशन प्रोसेस हो जाती है, सो दैट कि तीन अल्फा हेलिक्स एक साथ आ गए और उसको हम पहले क्या कहेंगे, ट्रोपोकोलेजन। वर्ड याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है, आज ही करेंगे, ठीक है। देखो टू थर्ड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, याद रखना मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्सी लाइसिन भी कहा है, ये भी आता है कभी कभी इसकी जगह, ठीक है। हाइड्रोक्सीलेशन प्रोसेस करने के लिए ये आते हैं, ठीक है। एवरी थर्ड अमीनो एसिड इज अ ग्लाइसिन इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल हेलिक्स। ग्लाइसिन जो होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, वो भी बहुत अच्छा ट्रिपल हेलिक्स बनाने में essential role play करता है। Cross linking between the chains and molecules of the collagen, which gives the collagen its strength. थोड़ा सा मुझे लगता है language थोड़ी गलत होगी। As the collagen mature, जब collagen mature होता है, mature का मतलब देखो उसने क्या कहा, procollagen से tropocollagen, tropocollagen में आपके already क्या हो गए, already तीन alpha helix आके अच्छा खासा ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बना दिया है, और उसके बाद फाइनली मोर स्टेबल क्या बन जाता है, कन्वर्जन किसमें हो जाता है, मेन प्रोडक्ट में, दैट इज अ कोलेजन, और इसको हम कहते हैं मोर स्टेबल प्रोडक्ट, सिंपल और कुछ नहीं। ग्लाइसिन प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ग्लाइसिन हाइड्रोक्सी प्रोलीन ऐसे लिखो, प्रोलीन ऐसे लिखो, ग्लाइसिन ऐसे लिखो, इधर से पढ़ो तो ग्लाइसिन ऐसे होगा। कोई नहीं पूछने वाला आपको थर्ड अमीनो एसिड कौन सा होता है, आपको ये सिक्वेंस याद रखना है जो मैंने कहा है, ठीक है।
ये हमारे बुक में भी, इंटरनेशनल बुक्स में भी यही है। ठीक, क्वेश्चंस भी आ गए, कैसे क्या आ गए, थर्ड स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया ही नहीं, कितना टाइम हो गया बच्चों, मुझे पता नहीं, यहाँ पे टाइम ही नहीं पता चल, मोबाइल में लेके आई, इसी में तो पता चल जाएगा, वेट, इट्स 8:08, ठीक है, वी हैव सम अमाउंट ऑफ टाइम कि जिसमें हम क्वेश्चन भी कर सके, 8:30 तक हमें क्लोज करना है, ठीक है, चलो, टर्शियरी स्ट्रक्चर, 8.9 क्या कृष्णाश, व्हाट यू आर आस्किंग, यू आर आस्किंग अबाउट 8. ओके, कोई टाइम के लिए बता रहे थे, ठीक है, 8. ओके ओके फाइन, देखो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नो मैम, व्हाट नो मैम, कुछ छूट गया क्या हमारा 8.9, कुछ भी तो नहीं है, 8.9 तो कहीं नहीं था, क्या बोल रहे हो, चलिए आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बोल दो सर, मैम को समझ आ जाए, ठीक है, तब तक मैं आगे चलती हूँ, ओके ओके चले, देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऑल फाइन, ओके ऑल फाइन, ठीक, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लिया, इंपॉर्टेंट जो किया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो भी अच्छे से देख लिया, माइन्यूट पॉइंट्स को भी देख लिया, एक आपको एक्सरसाइज भी दे दी कि आप भी गूगल पे मेन अल्फा बीटा प्लेटेड शीट के स्ट्रक्चर्स को एक लिस्ट बना लो, दो चार कॉमन बना लो, दैट्स इट, आपके लिए ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट वन, बट वो छोटा सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो लॉन्ग प्रोटीन चेन, देखो अब थोड़ा सा और एडवांसमेंट, अल्फा हेलिक्स देख लिया, बीटा प्लेटेड शीट देख लिया, अब एडवांसमेंट बढ़ जाएगा, अब जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है, लॉन्ग प्रोटीन चेन और पॉलीपेप्टाइड मीन्स एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, अरे यार दो बच्चे अभी कैसे जा रहे हैं, कोमल निको से दो दो, कोमल क्या है ये, यूजुअली फोल्ड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए हॉलो वुलन बॉल, एक हॉलो वुलन बॉल कैसे होता है, इस टाइप से इसे फोल्ड हो सकता है, एक हॉलो वुलन बॉल जैसे कि बहुत अच्छे से मस्त स्ट्रक्चर फोल्ड होगा, उस पोर्शन, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर, अच्छा खासा यूजुअली फोल्ड। अब तक हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखा था लोकल फोल्डिंग, याद रखना, क्यों ये लोकल फोल्डिंग कहा था, बिकॉज ये लोकल लेवल पे हो रही, बहुत ज्यादा नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये बहुत ज्यादा हो रही, इसलिए वहां पे लोकल फोल्डिंग कहा था, याद रखना, एक हॉलो वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, This structure gives the three-dimensional view of protein. आजकल तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए कि हम किसी प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी कंप्यूटर पे विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको अच्छे से प्रॉपर डिवाइस में डालेंगे और वह उस टेस्ट ट्यूब में जो प्रोटीन होगा उसमें ऐसे डिटेक्टर लगे होंगे कि वो डायरेक्टली उसका इमेज किसमें आ जाएगा, आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ जाएगा। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है किसका, सिर्फ टर्शियरी का, याद रखना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वगैरह इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अभी तक तो मैं यही बताते हुए आई हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी ये ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट है, ऐसे प्रोसेसिंग ऑर्गेनलीज है जहां पे प्रोटीन क्या होता है, बहुत ज्यादा फोल्ड होता है, जितना ज्यादा फोल्डिंग होगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा वो अपनी एक्टिविटी को अच्छे से दिखा पाएगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, मीन्स कोई भी एंजाइम अगर वर्क कर रहा है आपके बॉडी में, दैट एंजाइम इज मैक्सिममली मोस्ट ऑफ द टाइम, कीप इन माइंड बायोलॉजी में एक्सेप्शनल केसेस बहुत होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्ड हर बार आता है, एब्सोल्यूट कोई वर्ड आता नहीं, ठीक है। मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होगी वो फोल्डेड फॉर्म में होगी, यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर ही मिलेगा आपको मैक्सिमम एंजाइम्स में, जो कि अच्छा खासा कैटेलिटिक एक्टिविटी दिखाता है, कैटेलिटिक एक्टिविटी तो दिखाता है एंजाइम्स, कैटलिस्ट, एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, यस, कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर, दैट इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। पे कितने क्वेश्चंस आए, बहुत क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल दिस स्ट्रक्चर ब्रिंग अ डिस्टिंक्ट अमीनो एसिड चेन क्लोजर, डिस्टिंक्ट अमीनो एसिड चेन क्लोजर फॉर्मिंग अ एक्टिव साइट, अनदर इंपॉर्टेंट वन, मींस फोल्डेड तो होगा, अच्छा खासा यूजुअली फोल्ड होगा, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी रहेगा,
बायोलॉजिकली एक्टिव रहेगा. क्यों रहेगा? बिकॉज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस 3D स्ट्रक्चर सम अमीनो एसिड कंटेनिंग साइड चेन कंटेनिंग अमीनो एसिड, ऐसे कोई अमीनो एसिड बीच में आ जाएंगे कि वो कोई एक्टिव साइट बनाएंगे, एक्टिव साइट बनाएंगे. मैक्सिमली इसमें हिस्टिडीन का रोल आता है. हिस्टिडीन ऐसा अमीनो एसिड है जो कि अच्छा खासा इन्वॉल्व होता है एक्टिव साइट बनाने में. ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला. द साइट टू विच सबस्ट्रेट गेट अटैच, ऐसी साइट जहां पे सबस्ट्रेट आपके अटैच होता है उसको ही तो कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ द प्रोटीन. नहीं समझा? एग्जाम्पल देखो, मायोग्लोबुलिन. टर्शियरी स्ट्रक्चर का मायोग्लोबुलिन, अल्फा हेलिक्स का कोलेजन, यस, बीटा प्लेटेड शीट का आपने देखा फाइब्रोइन, सिल्क फाइब्रोइन. प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने देखा इंसुलिन, लाइसोजाइम्स, याद है कुछ? ऐसे वन बाय वन समझते जाना एग्जाम्पल के साथ. टर्शियरी स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मायोग्लोबुलिन, जो कि प्रोटीन हमारे मसल्स में मिलता है. ग्लोब्यूलिन आ गया, इम्यूनोग्लोबुलिन देखा, हीमोग्लोबुलिन देखा, मायोग्लोबिन. ठीक है, ठीक है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन वो इम्यूनोग्लोबुलिन था, ये ग्लोबिन है, याद रख. अब बताती हूँ मैं आपको, आप एक्टिव साइट की क्या बात करें. कोई भी जो एंजाइम होता है ना, कोई भी एंजाइम जो बनता है वो प्रोटीन से ही बनता है ऑब्वियसली, बट एंजाइम का मैक्सिमम स्ट्रक्चर जब 3D हो, मींस वो टर्शरी स्ट्रक्चर हो, मींस अच्छा खासा फोल्डेड हो, अलोंग विद दैट उसमें एक्टिव साइट अपीयर हो प्रॉपरली. सी दिस रेड पोर्शन, दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे हिस्टिडीन, हिस्टिडीन आ गया, ऐसा कोई पोर्शन, और आयरन कंटेनिंग भी है ये. यानी ये कौन सा हो गया? ये मेटालोप्रोटीन हो गया. याद आ रहा है कुछ? मेटालोप्रोटीन जिसमें मेटल्स होते हैं, राइट? जो एक्टिव साइट होती है किसी भी एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है किसके लिए? सबस्ट्रेट के लिए. एंजाइम्स क्या करते हैं? किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को, कोई भी रिएक्शन हो, कौन सा रिएक्शन? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन. यही तो होता है, सबस्ट्रेट में प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन, दैट इज अ रिएक्शन. इस रिएक्शन को क्या करता है? एक्सेलरेट करता है, उसके रेट को बढ़ाता है. एक मिनट में होना है, वो सेकंड में हो जाएगी रिएक्शन. तो सबस्ट्रेट सबसे पहले एंजाइम के कहां पे जाके बाइंड होगा? एक पर्टिकुलर पोर्शन पे जाके बाइंड होगा. उस पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट. और हर कोई एंजाइम का एक्टिव साइट, हर कोई एंजाइम स्पेसिफिक होता है फॉर देयर सबस्ट्रेट. इसलिए तो लॉट्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ये तो एक ही एंजाइम से काम नहीं चलता क्या? एवरी एंजाइम आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक. उसके पास पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए पर्टिकुलर एक्टिव साइट होती है. देखो यहाँ पे एक्टिव साइट में आपको हिस्टिडीन मिल रहा है, उसकी पर्टिकुलर पोजिशन मिल रही है. 93 नंबर का अमीनो एसिड है जो कि सिस्टिडीन है, 64 नंबर का अमीनो एसिड है जो कि हिस्टिडीन है. इसके बीच में ऐसा कोई क्या हो रहा है? बॉन्डिंग हो रही है, और इस बॉन्डिंग की वजह से इस टाइप का एक्टिव साइट क्रिएट हो रहा है. और ये एक्टिव साइट ऐसी साइट जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा और फाइनली वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में. मीन्स कोई ना कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई. कैसे हुई? जब तक टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं बना एक्टिविटी नहीं होगी. क्यों? बिकॉज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक्टिव साइट फॉर्म हो सकती है, प्रॉपर फोल्डेड ग्लोबुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. तो आपको पूरा याद रहना चाहिए 3D स्ट्रक्चर, दैट इज अवर टर्शियरी स्ट्रक्चर. ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल एक्टिव है. मैं इसको भूल गई हूँ रेड करना, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक्टिव साइट फॉर्म होती है, इतना याद रखना. और ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होती है. एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट फॉर्म होती है, और एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर जिसका स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर है. एग्जांपल देखना है हमें बहुत अच्छा मायोग्लोबिन का. क्यों देखना है? बिकॉज मायोग्लोबिन पे क्वेश्चन आने के चांसेस है. ठीक है, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देखेंगे. अब देखो, टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ रहे तो हम बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इतनी बातें की, टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी कर लेते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड ऑब्वियसली ऑलवेज देयर, ये तो पूरा पेप्टाइड बॉन्ड से ही तो बना बैकबोन होगा. अमीनो एसिड राइट. डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑलरेडी है, देखो. हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी है,
तो फिर क्या ऐसा अलग है इसमें, तीनों भी तो है, इसमें अलग है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वंडरवॉल इंटरेक्शन, आयोनिक इंटरेक्शन, ये तीन बॉन्ड्स को टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए ऐड कर देना, बाकी सब पहले जैसा। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आपको तो पता है हमारा अगर ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, एमआरएनए यहाँ पे ही तो आता है और फाइनली राइबोसोम यहाँ पे उसको रीड करता है और क्या बनाता है, प्रोटीन ही तो बनाता है, यस। और आपको तो पता है साइटोप्लाज्म में क्या होगा, देर आर सो मेनी वॉटर इज देयर, यस और नो, वॉटर बहुत ज्यादा होगा, साइटोप्लाज्म में वॉटर तो बहुत होता है, तो हमारे जो अमीनो एसिड्स है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, ऐसे अमीनो एसिड्स जो वाटर को हेट करते हैं, वाटर हेटिंग अमीनो एसिड, हाइड्रोफोबिक, जिसको वाटर का फोबिया है, वो बाहर की तरफ दिखेंगे कि अगर कोई मैं प्रोटीन बना भी दूं ऐसे, तो वो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स जो हाइड्रोफोबिक है, जो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होंगे क्या वाटर से, कभी नहीं होंगे ना, वो ऐसे बीच में रहेंगे जहां पे वाटर से उसका कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, तो ये आपको ऐसे इनर पोर्शन में आपको इस टाइप का हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मिलता है, वाटर हेटिंग, ऐसे कोई अमीनो एसिड्स की जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स जो भी है वो आपको क्लस्टर में मिलेंगे, क्लस्टरिंग ऑफ द हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स अवे फ्रॉम द वॉटर, वॉटर से वो दूर रहेंगे, सेंटर में मिलेंगे आपको किसी भी टर्शरी स्ट्रक्चर में, याद रखना बच्चों, सेंटर में मिलेंगे, बिकॉज साइड में क्या है, साइटोप्लाज्म का पानी है, पानी से तो वो हेट करते हैं, तो वो अंदर अंदर छुपने की कोशिश करेंगे, तो वो सेंटर में रहेंगे, उसके सराउंडिंग में कहीं पे भी पानी नहीं रहेगा, अलग अलग अमीनो एसिड से वो सराउंड रहेंगे, तो वो इसके कॉन्टेक्ट में कभी आ नहीं सकते। तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कौन दिखाएगा, दैट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स दैट आर हाइड्रोफोबिक, दैट आर डीपली प्रेजेंट इन दैट क्लस्टर, इन सेंटर ऑफ दैट टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर के सेंटर में पाए जाएंगे, क्लस्टर में अंदर घुसे रहेंगे, वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन दिखाएंगे, दिस इज अ स्पेशल वन, याद रखना। और ये वंडर वॉल्स इंटरेक्शन ये भी रहेगा, ठीक है, आयोनिक इंटरेक्शन। अब मायोग्लोबिन ये टर्शरी स्ट्रक्चर है और हीमोग्लोबिन ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, जो कि हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, जो कि हमने अभी तक पढ़ा नहीं, मायो इसको आज खत्म करना है कुछ भी कर गया। मायोग्लोबिन इज अ मोनोमेरिक प्रोटीन, मायोग्लोबिन इज अ मोनोमेरिक प्रोटीन, सी दिस इज सी टर्मिनल, दिस इज एंड टर्मिनल, हो गया सी टर्मिनल एंड टर्मिनल, यस, अ मोनोमेरिक, एक टाइप का पेप्टाइड, एक टाइप का लंबा सा पॉली चेन, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड भी है जिसमें इन्वॉल्व है, एक ही प्रोटीन की लंबी चेन, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जिसमें है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अब मोनोमेरिक प्रोटीन कहेंगे उसको, मोनोमेरिक याद रखना, टर्शियरी स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन, फाउंड मेनली इन मसल टिश्यू एंड इन हार्ट मसल टिश्यू, जैसे कि स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल्स क्या होती है, हार्ट में, तो हार्ट मसल्स भी कह सकती हूँ मैं, तो ऐसे जगह पे आपको मायोग्लोबिन काफी मिलेगा। व्हाई दिस इज सो, बिकॉज स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स की जो कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है, मैं हाथ अगर घुमा रही हूँ तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है, हार्ट भी तो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, वेंट्रिकल ऑरिकल यू नो, तो ऐसी जगह पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, और जहां पे भी एक्टिविटी होती है वहां पे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। एनर्जी बनती कैसी है, एरोबिक रेस्पिरेशन से। एरोबिक रेस्पिरेशन होता कैसे है, जब कभी ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मींस हियर कम्स द रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, और बहुत अच्छे से आप एक्टिविटी दिखा सकते हो, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स में अच्छे से हो सकता है, आपके हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकते हैं। तो मायोग्लोबिन एक इस टाइप का टर्शरी मोनोमेरिक प्रोटीन है जो कि आपको स्केलेटल मसल्स में, हार्ट मसल्स के टिश्यू में मिलेगा। व्हाई बिकॉज ये ऐसा कोई प्रोटीन है कि जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर रहेगा उतना ही तो जब कभी जरूरत है कार्डियक मसल्स के सेल को, तो वो फटाफट एनर्जी वही की वही बना लेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज तो हर जगह पहुंच ही जाता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हर जगह पे अगर है तो वहां पे ऑक्सीजन
प्रॉपरली अगर नहीं भी ट्रेवल होता है तो आपके पास ऑक्सीजन का स्टोरेज होना जरूरी है बिकॉज वो वहां पे रेगुलर एक्टिविटी हो रही है. तो इसीलिए मायोग्लोबुलिन इज फॉर ऑक्सीजन स्टोरेज एंड हीमोग्लोबिन इज ए ऑक्सीजन कैरियर. याद रखना ऑक्सीजन कैरियर ही है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है. मायोग्लोबिन स्टोर ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करता है. यस, लंग्स ने दे दिया, कैरी करेगा, सेल तक पहुंचाएगा. पर सेल तक पहुंचने के बाद, मसल सेल्स में जाने के बाद, वहां पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कौन कौन स्टोर करके रखेगा? उसके अंदर का प्रोटीन, मसल्स के टिश्यू के अंदर मैक्सिमम मायोग्लोबिन प्रोटीन रहेगा, वो कैच कर लेगा. हीमोग्लोबिन दे दो, मैं बराबर से स्टोर करके रखूंगा, बहुत जरूरत है हमें. ठीक है, मायोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन स्टोरेज, हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैरियर. ठीक है, स्टोरेज साइट अच्छे से याद रखना, बहुत बार इंट्रा का मतलब आपको पता है, सेल के अंदर स्टोरेज साइट रहेगी. सेल को जरूरत है तब करेगा यूज, नहीं रहेगा, नहीं जरूरत है तो उसमें पड़ा रहेगा, जैसे जैसे जरूरत है फटाफट यूज में आता रहेगा. जनरली मसल्स टिश्यूज में ऑक्सीजन की जरूरत बहुत होती है. हीमोग्लोबिन अब पढ़ ही रहे तो इसको भी देख लेते हैं. ये है मोनोमेरिक बिल्कुल भी नहीं, इसी का भाई है बट थोड़ा एडवांस है हीमोग्लोबिन. ये मोनोमेरिक नहीं है, एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन नहीं है. देखो 1 2 3 4 कितने हैं, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है. सी टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर, बट किस टाइप की टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर? एक जैसे क्या? बिल्कुल नहीं. एक ब्लू दिख रहा है, एक आपको क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है. मीन्स यहाँ पे आपको अल्फा स्ट्रक्चर है और एक बीटा स्ट्रक्चर है. एक अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2. बीटा को उन्होंने रेड कलर, ब्लू कलर दे दिया और अल्फा को क्या दे दिया, रेड कलर. मीन्स हेटेरो, एक जैसे नहीं, अलग अलग, डिफरेंट. दैट्स व्हाई हेटेरो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको फिक्स कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट. मोनोमेरिक बहुत इंपॉर्टेंट और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, अगेन इंपॉर्टेंट. और ये किस में होता है? आरबीसी में होता है, आपको तो पता होगा आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है. और मायोग्लोबिन एम से पता याद रह जाएगा, मसल्स में होता है. मायोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. डिफरेंस तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया, स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पढ़ लिया. दिस इज मायोग्लोबिन एमबी और दिस इज हीमोग्लोबिन. क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, दिस इज अ टर्शरी स्ट्रक्चर, दिस इज अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. 10 बार एक ही एक रिपीट करती हूँ इसलिए कि आप लोग के माइंड में फिक्स रहे. ठीक, फिर से कंपैरिजन लेके आई हूँ, जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उतने ही पढ़ाऊंगी. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हम कह सकते हैं एक ही बात. ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ये आरबीसी पे होता है और ये मसल्स एंड बोन मैरो में भी होता है, जहाँ पे फास्टली आपके स्टेम सेल्स डिवाइड होते रहते हैं. जहां पे भी फास्टली होगा वहां पे एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी. तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए, बट मेजोरिटी में आपको यही याद रखना है. याद रखना, एम से याद भी रह जाएगा, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं करना. ठीक है, इट कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड्स और यहाँ पे एक ही तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है, इसलिए ये मोनोमेरिक है और ये क्या है, टेट्रामेरिक है. बट ये किस टाइप का टेट्रामेरिक है? हेटेरो टेट्रामेरिक. याद रखना, अल्फा और बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा. अल्फा में भी अल्फा 1 अल्फा 2 नाम दे दिया है और बीटा को भी बीटा 1 बीटा 2 नाम दे दिया है. 2 और 2 कितने हुए? 4. और 2 और ये इसलिए टेट्रामर. बट ये अलग अलग है अल्फा और बीटा, इसलिए हेटेरो टेट्रामर. राइट, मॉलिक्यूलर वेट इज 5400 और इसका कितना है? 1600 और ये 5400, 5400. ठीक है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 64 ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, इसके नियर अबाउट ही होता है इसका. ठीक है, थोड़ा सा उसके कम, नियर अबाउट होता है. ठीक है, याद रहेगा टेट्रामर है तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है, याद कर सकते हो. ठीक है, और ये वाला जो है वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं. ठीक है, अगर ये मसल टिश्यूज जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी अगर वहां पे आएगा तो देखेंगे, बट यहाँ पे तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं. ठीक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया हमने. ये किससे होता है? मोर देन वन. अभी तो देखा मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड. सी,
एक बहुत ज्यादा गंदा हो गया, एक मिनट थोड़ा सा ही टाइम, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, टाइम हो रहा है। मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड दूसरा दिख रहा है आपको, पर एक ही टाइप का है, बीटा, बीटा वन बीटा टू, पर बीटा ही है, ये है एक और ये दूसरा है ना, पर एक ही टाइप के, तीसरा और चौथा कह देती हूँ, ठीक है, अल्फा। तो ये मोर देन वन, यहाँ पे तो बेचारा सिंगल पॉलीपेप्टाइड था, यहाँ पे एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड है, बहुत ज्यादा पॉलीपेप्टाइड है, तो इसको कहेंगे हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मोर देन वन सब यूनिट। सब यूनिट को किसको सब यूनिट कह रहे हैं, हर कोई पॉलीपेप्टाइड को, इसको ये एक सब यूनिट, पॉलीपेप्टाइड का जो भी मिल रहा है आपको, एक पॉलीपेप्टाइड एन से सी सी तक, वो क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड, ऐसा ही दूसरा एक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। मायोग्लोबिन में सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड होता है और हीमोग्लोबिन में मोर देन, हीमोग्लोबिन में चार होते हैं, ठीक है। ईच पॉलीपेप्टाइड हैज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर, डजंट मीन कि हर बार वो टर्शरी स्ट्रक्चर ही रहेगा, उसमें बीच में आपको क्वार्टरनरी की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वार्टरनरी ओनली, उसमें बीच में आपको अल्फा हेलिक्स भी मिल जाएंगी, कभी कभी आपको प्लीटेड शीट भी मिल जाएगी, कभी आपको अल्फा हेलिक्स भी मिल जाएंगे, कभी प्लीटेड शीट भी मिल जाएगी, कभी कभी छोटा सा थ्रेड भी मिल जाएगा, कभी बीच में ऐसा स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। क्वार्टरनरी इज अ मिक्स्ड अप ऑफ ऑल मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। द वे इन विच these individual folds the polypeptide are arranged with respect to each other, और उसके basis पे उसका structure होता है, किस way में वो fold हो रहा है, किस way में arrange हो रहा है, उस basis पे quaternary structure रहेगा। कभी वो इस type का दिख सकता है, कभी वो कुछ cuboidal दिख सकता है, कभी वो spiral ज्यादा दिख सकता है, हो सकते हैं उसके अलग अलग, पर हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं। अगर आप थ्योरी पेपर दे रहे हो, क्वार्टरनरी पे अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन ऐसा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है जिसमें की फोर हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें की ज्यादा हेलिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, दो अल्फा होंगे और दो बीटा स्ट्रक्चर्स होंगे, तो वो कौन सा आपका हीमोग्लोबिन। सी This much. ये structure हमने देख लिया, myoglobin and hemoglobin are the heme protein, ये word याद रखना, heme क्यों, क्योंकि iron इसमें भी होता है और iron इसमें भी होता है, these two are metalloprotein, yes, physiologically important principle है, उसकी ability होती है oxygen के लिए, कोई oxygen को store करता है और कोई oxygen को carry करता है, transport करता है, ठीक है। ये जो red red दिखा रहे, ये सब उसके active site है, देखो यहाँ पे चार पेप्टाइड से और यहाँ पे एक्टिव साइट कितनी मिल रही है हमें, फोर एक्टिव साइट्स, हाँ पता है, जितनी एक्टिव साइट है, हर एक्टिव साइट के साथ दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, और मींस एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे, देखो जरा, है ना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन बाइंड होगा, पर ऑक्सीजन बाइंड होकर स्टोर हो जाता है, वाह, ठीक है। अब क्वेश्चन चलो बताओ फटाफट, आज हमारा पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, होल प्रोटीन, अब प्रोटीन का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, कुछ भी नहीं छूटा है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चंस, इसका पीवाईक्यू सेशन होगा नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो ऑन सैटरडे, ठीक है, कल पढ़ लेना, और इसका प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, आपको पता है जो हमारा क्लास में होता है, यस यू नो, दोनों को लर्न करके दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी जो एक पेपर अरेंज कर रहा है वो मैं बायोमॉलिक्यूल के बाद ही। इसका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज। टर्शरी क्या हो गया भूमिका, एनी प्रॉब्लम भूमिका, ओके आंसर, ओके ओके आंसर, फटाफट इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हम लीव कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, भूमिका सेज टर्शरी स्ट्रक्चर, rest of the students, बाकी बच्चे भी है क्लास में, बताए जरा आंसर, which of the following structure of the protein is absolutely necessary for many biological activity, my god, ये question का जो line है ना, ये line हमारे theory में as it is है, हमारे theory में प्रथा as it is है बेटा, कैसे क्या आप भी कह सकते हो प्रथा, necessary for many biological activity, what I am saying, enzymatic activity, कौन सा रहेगा प्रिथा, it should be a tertiary one, how Krishna's quaternary बेटा,
बायोलॉजिकल एक्टिविटी में एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात करें कृष्णा, हीमोग्लोबिन की जो बात होती है वो ऑक्सीजन को कैरी करने की होती है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है, सम एंजाइमेटिक एक्टिविटीज आर आल्सो देयर. कृष्णांश आंसर, योर आंसर शुड बी टर्शियरी. अब भी तो बताया बच्चों ये क्या है, ये बहुत ही हो गया. आपके गेम खेलते हो क्या, मजाक करते हो क्या? हाँ मुझे तो लगता है. इसको मैंने अब भी देखो, यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी लिखा है ना, क्या स्ट्रक्चर है टर्शियरी स्ट्रक्चर, मैंने क्या कहा था, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी. ऐसे के ऐसे उठा के पूछ लिया है क्वेश्चन. हाँ सेम, मैंने तो ये अपने नोट से लिया था और ये पेपर में ऐसे आ चुका है. ठीक है, मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, नॉट दिस स्ट्रक्चरल, ये है इसका स्ट्रक्चरल रोल में इन्वॉल्वमेंट है इसका. आपको किसमें दिखता है, हम इसका सीक्वेंस, अमीनो एसिड का सीक्वेंस इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. डायवर्सिटी की बात की थी हमने, मैंने बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात इसी में तो की थी, बिकॉज यहाँ पे एक्टिव साइट हमें मिलती है. आप कहोगे मैम क्वार्टरनरी में भी मिलती है, बट एंजाइम्स जो होते हैं मैक्सिमली टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं, हाईली फोल्डेड सिंगल पॉलीपेप्टाइड के जो बनते हैं. क्वार्टरनरी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं हम, और वहां पे हमारे एंजाइम्स नहीं आते. ठीक है कृष्णांश, गॉट इट. ओके क्वेश्चन नंबर टू. ये बहुत ईजी है आपको, पता है आप लोग अभी कर लेते हो क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ा दिया आपको, जब इतना सारा पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए ना रिपीटेडली रिवीजन करना इस मस्ट, माइंड में छप जाना चाहिए. अच्छा बताए जरा आंसर बताए, चलो कितना टाइम हो गया देखना पड़ेगा, बैठ जाना पड़ेगा. चलो फटाफट, ओनली 5 क्वेश्चन आर देयर. You can, आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि आपको कितना टॉपिक समझा है, तो कहाँ पे आपको फोकस करना है. हमें क्वेश्चन से ये पता चलता है कि कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कौन से पॉइंट को माइंड में रखना है. बहुत अच्छे होते हैं ये जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, क्योंकि थ्योरी एग्जाम से हमारे कंसेप्ट कभी नहीं बनते, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से ही रियल हम किसी भी साइंस को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं. Your answer will be, bachcho, answer. Yes. अब भी बताया मैंने हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सिंपल सी बात, विच वन इज द इनकरेक्ट. अनुज तिवारी says D. Any other student? अनुज ने आंसर भी दे दिया, बाकी क्या कर रहे हैं. डी, गिरीश सेज डी, तिलक को आंसर नहीं करना. भूमिका अभी कहा पीछे रह गई, भाभी का क्लास में आती है क्या. कृष्णांश डी, चलो बच्चे तो डी की लाइन लगा रहे. एनी अदर, हो गए हमारे क्लास में 3 ही बच्चे हैं. चलो तीनों का आंसर राइट है, इट इज डी, बिकॉज इट सिंपलेस्ट प्रोटीन हो ही नहीं सकता, हेटेरो है, उसके बाद टेट्रामर है, उसके बाद 2 अल्फा दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 और 2 बीटा दैट इज बीटा 1 बीटा 2, इससे बना है. किस एंगल से ये आपको सिंपल दिख रहा है, सिंपल तो बिल्कुल नहीं है. तो योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. इट इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट, यस 2 अल्फा और 2 बीटा, दैट्स व्हाई तो हम टेट्रा कहते हैं. 2 सब यूनिट्स आर अल्फा टाइप, यस, एंड 2 सब यूनिट्स आर बीटा टाइप. Yes, this is also true. What about this? This is a quaternary structure. Yes, obviously, hemoglobin is a quaternary one. Simplest protein, गलती से भी नहीं. कितना easy question. क्या करे इसने ऐसे question का? ये तो लड्डू question है. This is a लड्डू question. खा लो एक लड्डू. ठीक है. चले बताए इसका. पता है हमने इतना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए ना, मैक्सिमम पीवाईक्यूज हमारे कवर हो गए. बहुत क्वेश्चंस, हर सेशन में हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं रिलेवेंट टू दैट टॉपिक.
बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कवर होंगे PYQs. आंसर विल बी भूमिका से फोर्थ आंसर है. प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज, सलोनी सेस डी. ये वाला टॉपिक कल हुआ था, कुछ याद है मैंने कहा था इंसुलिन अंदर सिग्नल भेजता है, सेल के अंदर ग्लूट फोर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, सिग्नल भेजते ही ग्लूट फोर एक्टिव हो जाता है, वेसिकल में पैक हो जाता है और यस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. और कहाँ पे ट्रेवल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आता है, अंदर की बात चल रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आके वो फ्यूज हो जाता है और वहां पे एक दरवाजा बनाता है, यानी वहां पे वो एक कैरियर एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बना के फॉर्म में अरेंज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. कैसे हुआ, जब तक इंसुलिन के सिग्नल नहीं मिलेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अंदर से बाहर की तरफ सरफेस पे नहीं आएगा, अंदर ही पड़ा रहेगा सेल के अंदर. इसीलिए तो इंसुलिन इंपॉर्टेंट होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. कैसे, वो अंदर सिग्नल भेजेगा, ग्लूट फोर अंदर से सरफेस के ऊपर आएगा और जो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको कहेगा चलो आओ अंदर, क्योंकि ये क्या है, ग्लूट फोर इज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ये ग्लूट फोर की बात है, ऐसे ग्लूट बहुत सारे, ग्लूट 1, 2, 3, 4, देर आर सो मेनी ग्लूट्स, पर अभी हमें ग्लूट का नहीं करना है, उसका निमोनिक्स मिल जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा. आंसर विल बी डी. केराटीन तो कोई ग्लूकोज से लेना देना ही नहीं है. हा? ये बालों को ग्लूकोज देते हो, ट्रिप्सिन की तो कोई बात ही नहीं हो रही, कोई आपको प्रोटीन का क्लीवेज करना है, ग्लूकोज इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, हीमोग्लोबिन, अगर वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा तो ऑक्सीजन को कौन करेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं, बच्चा कौन, ग्लूट फोर. इतने सिंपल क्वेश्चंस, ऐसे ऑल इंडिया पीएमटी में तो गलती से नहीं पूछेंगे. चलो ये बताओ, ये भी बहुत ईजी है आपके लिए, आज के लिए बहुत ईजी है, अगर बाद में पढ़ोगे बहुत सारा पढ़ने के बाद तो बहुत टफ हो जाएगा. फटाफट फटाफट, तिलक, अब तिलक आंसर करेगा, पहले तो तिलक आंसर करेगा. किसने किया तिलक के पहले आंसर, गिरीश ने, तिलक का गायब. अब भी तो मैम आपने कितना हैमर किया सिर पे. हाँ 3-3-3. हाँ यस दिव्या, भूमिका, कोलेजन, तिलक कहा गए, तिलक गायब हो गए. चले 3 अभी तो कहा, लेफ्ट अल्फा 1 ऐसे कुछ कहा था है ना, और ये क्या होता है बीटा है ना, ऐसे कुछ, और तीनों फिर इस टाइप से एक दूसरे में ट्रिपल हेलिक्स बना लेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रोपो कोलेजन. राइट, होगा हमारा बेचारा कोलेजन जो कि रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाते, बताया था ना रस्सी, पालना बनाने की रस्सी जो बनता है छोटे बच्चों का, लेटेस्ट नहीं पहले वाले पुराने, झूला 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 बनता था ना तसच गए. ओके चला अब इसको मैं क्लियर करूंगी, बिकॉज आपके माइंड में कंफ्यूजन एक बना जरूर होगा, फिर भी आंसर कर दो, कल आंसर कर लोगे आप. भूमिका से सी, क्या भूमिका, मजे है, फटाफट. हाँ एनी अदर, बाकी बच्चे बताए क्या करते हैं, अरे एक ने आंसर कर दिया क्या अब हम नहीं करेंगे, ऐसे वाला. कृता से सी, यस. एनी अदर, प्रशंसा, अरे प्रशंसा तो अभी दिख रही है मुझे, अभी तक तो प्रशंसा का एक भी नहीं. Yes, C. Yes, answer will be C. Girls, ये तीनों भी. Tertiary structure. अब आप बोलोगे मैडम ये क्या, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी है आपके लिए. Which of the following is a protein of silk? C. Yes. C. Yes, केराटीन सिल्क में बिल्कुल नहीं मिलता, वालों में मिलेगा, मायोग्लोबिन की बात करें मसल में जाएगा, ये किस में जाएगा, आरबीसी में, ये जाएगा हमारे सिल्क वर्म, सिल्क फाइब्रोइन. हाँ सी, आंसर इज सी. ये वाला क्वेश्चन मैम ये है, ये क्यों नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया माइंड में, नहीं आया ये क्वेश्चन, देखो जरा. अभी तो मैंने कहा था बेटा ये रेड रेड जो है ना, ये जो रेड रेड है
ये रेड रेड क्या है, ये रेड रेड एक्टिव साइट है, फिर मैंने इसको क्या कहा था, मैंने तो इसको आपको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहा था। हाँ, ये था आपका टर्शरी स्ट्रक्चर जो कि आपका मायोग्लोबिन था और ये कि हीमोग्लोबिन था। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक्टिव साइट किसमें आपको अपीयर होती है, टर्शरी एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आप कहोगे मैम यहाँ पे भी तो दिख रही है, देखो जरा ये एंजाइम्स की बात है, दैट इज ओके मैम, ठीक है उस बेसिस पे आपने बता दिया टर्शरी, दैट इज ओके। और ये भी बताती हूँ मैं यहाँ पे कि जो आपका हीमोग्लोबिन है इसमें जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, ये उसका टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये ऐसे टर्शरी मिला, ये ऐसे टर्शरी और ये ऐसे सभी अलग अलग, मैंने कहा था वो अल्फा हेलिक्स भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर, वो बीटा प्लेटेड भी हो सकते हैं, वो टर्शरी स्ट्रक्चर भी तो हो सकते, सब अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स या एक जैसे टाइप के स्ट्रक्चर, मोर देन वन स्ट्रक्चर, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड जब एक साथ आएंगे उसको तो हम क्वार्टरनरी कहेंगे, बट वो जो अपियर हो रही है वो टर्शरी पोर्शन है, ये टर्शरी दिख रहा है, ये दिख रहा है, मीन्स टर्शरी एक साथ आ गए तो क्वार्टरनरी बना है, बट टर्शरी होने की वजह से ही तो उसमें क्या है एक्टिव साइट है, बिकॉज ऑफ दैट टर्शरी मीनिंग, टर्शरी होने की वजह से, मीन्स टर्शरी है तो ही एक्टिव साइट, एंड बहुत सारे टर्शरी आ गए समझ लो, हीमोग्लोबिन बना भी दिया उसने, तो वो टर्शरी आने की वजह से तो ही एक्टिव साइट बनी है ना, समझ रहे हो मेरी बात, यस। इसलिए टर्शरी स्ट्रक्चर ही इसका आंसर रहेगा, ये नहीं रहेगा, ऐसे छोटे छोटे माइंड को दिमाग से उड़ा दो, ठीक है। एक मिनट, फिर भी एक क्वेश्चन ना बैक चला गया, उस दिन टाइम नहीं मिला, ये बात लास्ट मुझे भी जाना है, मुझे भी खाना बनाना है। ट्रोपोकोलेजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, लास्ट आज से रिलेवेंट है इसलिए, ट्रोपोकोलेजन क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, पहले के जो क्वेश्चंस थे उसमें से एक दो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के नहीं हुए हैं, बट ये तो है, ये तो श्योर है, बताए जरा यस बताए, ये थोड़ा हाई लेवल के इसमें भी था, डीपीएमटी में आया है शायद से, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ टू, देखो सी बी और टू बी, ये क्या है भूमिका, सी मीन्स थर्ड, टू मीन्स थर्ड कह रहे हो, दो भी कह रहे हो, क्या बोलना क्या है, सॉरी टू, ओके टू रिस्ट अदर, बताओ फटाफट, चलो जरा वाइंड अप करना, बहुत मुझे लगता है 8:30 के भी ऊपर हो गए हैं। कल छुट्टी है क्रिसमस की मेरी तरफ से, ठीक, सैटरडे तक मैं आपका पीवाईक्यू सेशन अरेंज करूंगी, आप पढ़ाई करके आना है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पढ़ के आना, सब चो, और बेचारी भूमिका भी गलत, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, अरे अभी तो कहा था ना मैम ऑल ऑफ दिस होगा फाइनल, यस ऑल ऑफ दिस, यस यस, इसलिए ना भूमिका थोड़ा सा टाइम लेगी, थोड़ा सा वेट, ऐसे क्वेश्चंस को ना जहां पे टाइम मांगता है वहां पे टाइम, मैंने अभी तो कहा था ना आपको अल्फा एक बीटा अल्फा टू अल्फा थ्री तीनों जब एक साथ आ जाएंगे रोप बनाएंगे ना, रॉड लाइक, रोप लाइक कहना था, रॉड गलती से बोल दिया, रोप बनाएंगे में स्ट्रेंथ आएगी, तो ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तो काफी अच्छी रहेगी, टेंसाइल का मतलब थोड़ा somehow फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, बट स्ट्रेंथ रहेगी बॉडी के सेल के अंदर बहुत ज्यादा, ऐसा तो एकदम ये नहीं रख सकते ना, क्या बोलते उसको डंडा, ऐसा तो वुडन स्टिक नहीं रख सकते, तो स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा, थोड़ी सी टेंसाइल भी रह सकती, थोड़ा somehow फ्लेक्सिबल, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी, मेन थिंग इज व्हाट स्ट्रेंथ रहेगी, पॉइंट इज ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन आर वाउंड, यस, ट्रिपल हेलिक्स की तो बात करते हैं हम, ट्रिपल हेलिक्स की तो बात करते हैं, तो ये तो ट्रोपो कोलेजन बनता है, प्रो कोलेजन में तो वो अलग अलग होते हैं इंडिविजुअल, ट्रोपो में वो तीनों एक साथ आके रस्सी बनाते हैं,
हो गया, ये भी ट्रू। अभी यहां से ही समझ में आ जाना चाहिए आपको, अरे दो तो ट्रू हो गए, तीसरा क्या पढ़े, ऑल ऑफ दिस कर देना। ऐसा होता है टाइम सेविंग मैटर, ऐसे टाइम को सेव करते। फिर भी सेफ एंड पढ़ना है तो देख लो, थ्री स्ट्रैंड्स ऑफ द चेन्स आर हेल्ड टूगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम सिर्फ हाइड्रोजन थोड़ी ना होता है, हाइड्रोफोबिक भी तो होता है, सॉरी ट्रोपोकोलाजन पढ़ रहे हैं ना, ट्रोपोकोलाजन कम्स अंडर सॉरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हाँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी तो है क्या, कोलाजन इज अल्फा हेलिक्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमें तो पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आना जरूरी है, हो गया, ये भी तो राइट है, तीनों ट्रू होंगे तो ये तो ऑल ऑफ दीज ही तो होगा। थोड़ा सा भूमिका, थोड़ा सा ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये भी सबको पता है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कोलाजन का। यस, अब क्या बताना है इसको, ये रहने दो। लिपिड के बायो लेयर का ये पॉइंट रह गया है बच्चों, ये पॉइंट मैं बाद में देख लूंगी, ये मैं आपको पीवाईक्यू में ही दे दूंगी, चलो तब बताऊंगी। चले हाँ, डी गिरीश, यस ऑल ऑफ दिस। चले आज के लिए इतना ही, कल के लिए हैप्पी क्रिसमस आप सबको, और पढ़ाई करो ठीक है, स्कूल स्टार्ट हो गई है, डेज भी काफी कम है, नेक्स्ट विंटर में आपके माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, पढ़ाई करें ठीक है। सॉरी फॉर इनकरेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम, मेन थिंग इज व्हाट कि आपको वो पता हो जाना चाहिए कि क्या गलत हुआ है, गलती पता होनी चाहिए, फिर से रिपीट ना हो। ओके चलो सी यू, ओके मेरी क्रिसमस, यस 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 कृष्णा, यस श्रुति का, यस बच्चों का क्रिसमस, हमारा तो क्या क्रिसमस। चले देखो पार्टिसिपेंट 20 हो गए, ओके देन बाय। ओके श्रुति का मेरी क्रिसमस, गिरीश को भी हैप्पी क्रिसमस। ओके चले एंड करें, बाय।